ज्ञानिति मिरन्धर्ष्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन दशमे श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले श्वेङ्गरूपकदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकम् आधाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन छोर। ये क्या था? हरे कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज
बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुन तीरवन चारी, यमुन तीरवन चारी, यमुन तीरवन हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल धर्मराज हरनाम संकीर्तन के श्री राधा माधव की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम राम्या काचिदुपाशना प्रजवधो ब्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममालं प्रेमापुमर्थो महां श्री चैतन्य महाप्रभो मत मिदं
सितकरात् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम् वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयान्तं वटशपत्र शपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसास्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु भद्रेषु नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 18 स्वमातु सिविन्न गात्राय स्वमातु सिविन्न गात्राय विस्तत्रस्त कब्रस्त्र च विस्तत्रस्त कब्रस्त्र च दृष्ट्वा परिशरणं कृष्ण दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयाशीत स्वबन्धने कृपयाशीत स्वबन्धने शब्दार्थ
स्वमातुः अपनी माता यशोदा देवी का, अपनी माता यशोदा देवी का। स्विन्न गात्रायः वृथाश्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर, वृथाश्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर। विस्तस्त्र गिर रहे कवर उनके बालों से फूल। दृष्ट्वा देख कर परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करते हुए अपनी माता को कृष्णः भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहेतुक कृपा द्वारा आसिता राजी हो गए स्वबंधने अपने बांधने के लिए, अपने को बंधाने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति यीशु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्द्र हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से ससजित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित दामोदर लीला के पांचवें दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला। आवाज क्लियर करिए, थोड़ा ट्रेवल दीजिए इसमें हल्का सा। हरे कृष्ण और हरे कृष्ण, थोड़ा सा और हरे कृष्ण। ओके, तो परम सौभाग्य से विभूषित श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा इस संसार के नित्य दग्ध जीव को सुखी करने वाली है। इस संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाला तत्व यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा। गोपियां स्वयं गोपी गीत में कहती हैं, तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमद्
दाततम भूवि गृणन्ति ते भूरिदाजना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। भगवान कृष्ण के विरह में जैसे मछली बिना जल की तड़पती है ना, वैसे भगवान के भक्त ये गोपियां भगवान के बिना जल के मछली की तरह तड़पती है। मानो गोपियों के लिए कृष्ण प्राण के समान है, प्राणवायु के समान, जो एक पल ना मिले तो प्राण छूट जाए। और अपने प्राण प्रीतम की प्राप्ति ना होने पर समस्त गोपियां अत्यंत दुखी हैं। तब भगवान मानो प्रकट हो और कहे, गोपी जनों तुम्हें हमसे प्रेम है, अब हमसे बहुत प्रेम करती है, प्राण है, तो अगर प्राण नहीं रहे तो शरीर छूट जाना चाहिए ना। आप लोग अभी भी जीवित, उसका कारण क्या है? तो गोपियां उत्तर में कहती क्या, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि भीरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कवि भीरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूवि गृणन्ति ते भूरिदाजना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम का मर गए होते, लेकिन धन्य है आपकी कथा जिसे सुनकर अभी तक हम जीवित। तव कथा हे कृष्ण, आपकी कथा, तव कथा अमृतम, अमृत के समान मरे हुए जीव को जीवित करने वाली। प्रभु हम सब मरे हुए थे ना, क्या क्या फायदा था इस शरीर का बताओ, क्या फायदा था? मरे हुए थे ना, दिन रात गलत कार्य, ऑफिस जाना, पढ़ना लिखना, उग्र विद्या ग्रहण करना, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, घूमना जो मिले खाना, लेकिन धन्य है कृष्ण की कथा। और सच कहूं भक्तों, मैं तो बताना भूल गया,
कल ही मेरा पहला दिन था जब मैं इस्कॉन में कदम रखा था। देव उत्थान एकादशी, उससे पहले गया था, जुहू चौपाटी जाता था, लेकिन अब वहां हम जाते हैं मंदिर तो क्या देखते हैं, कितना सुंदर संगमरमर लगाया है, कितना सुंदर डिजाइन है, हम तो राधा कृष्ण को देखते ही नहीं है जी, कभी नहीं देखते। राधा व्यास बिहारी को कभी देखा ही नहीं ध्यान से कि ये भी है यहाँ पे, देखो अरे कितना सुंदर मंदिर है, जो इतने महंगे एरिया में इतना बड़ा मंदिर। कली के दिन कुछ भक्त पकड़ के ले गए हम, खाना खाने के लिए ऑर्डर किया था रास्ते पे, एक भक्त आए कीर्तन करते हुए, बोले अरे क्या खा रहे हो, चलो तुम्हें 56 भोग खिलाता हूं। हजारों आदमी खड़ा था, ध्यान रखिएगा बॉम्बे का चौराहा कोई छोटा मोटा स्थान नहीं, हजारों आदमी खड़े हुए हैं, और उस भक्त का वो आए और सडनली मुझे पीछे से पकड़े ऐसे करके दोनों हाथों से, कोई जान पहचान नहीं, मैं झारखंड से वो गुजरात से, जन्म जन्म से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहते हैं ना कुछ शुद्ध भक्तों का कुछ क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, शुद्ध भक्त का कुछ संग मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। खड़ा था, गंदा खाना ऑर्डर करके खड़ा था कि लूंगा, घर पे कोई नहीं है, जाकर के खाऊंगा मजे से। अब इतनी भीड़ थी कि नंबर लगा हुआ था, वेट करो भाई बन रहा है ऑर्डर मिलेगा, वो भक्त आए, सडनली लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे और बहुत सारे लोग उस चौराहे पे खड़े थे, बहुत सारे लोग अन्य अन्य सामान लेने के खड़े थे। अब उनका संयोग देखिए और मेरा संयोग देखिए, ये भगवान की व्यवस्था होती है ध्यान रखिएगा। सडनली आए मुझे पीछे से पकड़े और बोले अरे क्या खा रहे हो, चलो तुमको 56 भोग खिलाएंगे। हम भी हरे कृष्ण महामंत्र सुने, बोले अरे ये क्या है, अभी तक तो फिल्मों का गाना सुना करता था, ये क्या है बॉम्बे में, चलो चलो चलते हैं। चल दिया और फिर 56 भोग खिलाया गया एकादशी प्रसाद, और फिर वो एकादशी प्रसाद की जो कीमत हो चुका रहा हूं। परम पूज्य हिज ग्रेस लाल गोविंद रोगी कथा थी, देवथान एकादशी पे कथा कर रहे थे, जाकर के बैठा, बहुत सुंदर प्रसाद खिलाए, प्रसाद खिलाने के बड़े प्रेम से भक्त लोग मिले, कहाँ से हैं क्या करते हैं, बहुत सुंदर मिला, मजा आ गया। इस गुरु श्याम गोपाल प्रभु वहीं थे उस समय, बहुत सारे भक्त लोग थे, बड़ा प्रेम से प्रसाद दिया रखा, और फिर उस प्रेम का असर आज प्रेम बांट रहा हूं। उससे पहले अभी अनुभव करता हूं कि उससे पहले तो मरा हुआ ही जीवन था, लेकिन धन्य है कृष्ण की कथा जो हम जैसे पापियों को भी शुद्ध बना ले। नहीं तो क्या था, मैं बताइए क्या था, कोई गुण नहीं, अवगुण से भरे हुआ, लेकिन कृष्ण की भक्ति का प्रभाव देखिए कि आज जैसे भी हो, ऐसी तो हमारी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आपको भगवत कथा सुना रहा हूं। कृष्ण की भक्ति का प्रभाव है, प्रसाद का प्रभाव है, गुरु महाराज की कृपा का प्रभाव है। तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कर्मशापहम् ताप्त जीवन कविभिरीडितम् कर्मशापहम्। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं तो सोचता हूं कि उन्होंने क्या कृपा की मेरे ऊपर, क्या कृपा की, हजारों जन्म मतलब हजारों शरीर उनके ऊपर देकर भी वो कृपा चुकाया नहीं जा सकता। जब भी मिलते हैं मुझे, मतलब अगर वो दूर से दिख जाते हैं तो मेरा, मैं दौड़ करके चला जाता हूँ कि प्रभु प्रभु आपने क्या कृपा की। अगर सोचता हूँ अगर 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 नहीं गया होता उस दिन
विकास कहाँ होता। बैठा होता कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर के नीचे एसी की हवा में, कहीं इस पृथ्वी के किसी कोने पे, लेकिन कृष्ण की कृपा देखिए, भक्त की कृपा देखिए, जो हमें भक्ति में लेकर के आते ना, जो हमें माला झोली दिलाते ना, उनकी कृपा कभी नहीं भूलनी चाहिए, ध्यान रखिए, कभी नहीं। उन्होंने क्या किया है ना आपके जीवन में, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा रियलाइज करने में लेट लग हो सकता है, लेकिन जो रियलाइज किए उनसे पूछिए, क्या किया है उन्होंने प्रभु, क्या किया है उन्होंने। आप सबको यहाँ पे इस दृष्ट राम श्याम प्रभु शुरुआत किए इस कथा की, और भी बहुत सारे भक्त, सभी लोग, आप लोग गांव वाले सब लोग मिल करके, मैं सबका नाम नहीं जानता, उपेंद्र कृष्ण प्रभु, मदन मोहन मामा जी, जो कोई भी है, जैसे भी शुरुआत हुई, हिस्ट्री श्याम गोपाल प्रभु, आप विश्वास नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या दिया है आपको, क्या दिया, आप कभी विश्वास नहीं कर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है कृष्ण कथा, अद्भुत अद्भुत है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, भले हम बर्बाद भी हो जाएं भौतिक रूप से, लेकिन ध्यान रखिए कि आध्यात्मिक रूप से आप तो एकदम तर गए हैं, और इनकी कृपा है ना, आप कुछ भी करके, कुछ भी करके, करोड़ रुपए, अरबों रुपए, रुपए की तो बात ही छोड़ दीजिए, अनमोल है, पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, अन्य भी कोई कार्य करके, किसी भी प्रकार की सेवा करके, ये जो मूल्य है ना, उसको चुका नहीं सकते, नहीं चुका सकते। तो ये कृष्ण कथा तप रहे जीवों के लिए, नए जीवन को प्राप्त करने वाली है। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा चल रही है, गत सत्र में हमने सुना देवी यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उंगली, दो उंगली रस्सी कम पड़ जा रहे थे। कथा लिंक हो गई ना, समझ में आ गया ना, कहां पे छोड़ा था कल, भगवान बांधने का प्रयास कर रहे थे भगवान को माता यशोदा, लेकिन कितनी उंगली कम हो रही थी, दो उंगली। अब ये दो उंगली का बहुत सुंदर तात्पर्य है, क्यों कम हो रहा था। भगवान को बांधने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दो उंगली कम पड़ती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, बस दो ही उंगली बाकी रह जाती है, क्या है, एक उंगली है साधक का प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। अब देखना पड़ेगा, भगवान की कृपा तब होगी जब साधक प्रयास करेगा। अब कभी कभी भगवान स्वयं से अपने से कृपा करते हैं, जैसे खड़ा था उठा करके लेके चले गए, समझ रहे हैं ना, और कभी कभी उसके बाद भी चाहिए कि प्रयास करें, प्रयास करते रहें, समझ रहे हैं। भगवान की कृपा जो है वो स्वतंत्र है, भगवान अपने साइड से ही कृपा करते हैं, और जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की कृपा होगी कब, जब साधक प्रयास करेगा।
यहाँ तो साधक प्रयास ही नहीं करता और कहते हैं भगवान ही कृपा नहीं कर रहे हैं। भगवान तो कृपा करने के लिए रेडी है, साधक प्रयास तो करे। हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान का, भगवान के प्रति अटूट प्रयास। बीज बोएंगे नहीं तो फल खाएंगे कहां से, बताइए? खा सकते हैं। देखिए जो माता जी लेट से आती है ना, कृपया आते ही बैठ जाइए, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। अब जो ले करके आ रहे हैं भगवान के लिए उसको बाद में चढ़ाइए, कोई बात नहीं है। कृपया आवाज आवाज नहीं करिए, है ना? तो बीज बोना पड़ेगा और उसको सींचना भी पड़ेगा, नहीं तो भेड़ बकरी आकर के खा जाएंगे। क्या कहते हैं उसको, घेरना भी पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब आपके हृदय में भक्तों की कृपा से भक्ति रूपी बीज तो बोया गया है। अब हम देख पा रहे हैं कि भक्ति लता जो है सो बढ़ भी रही है आपकी, लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब हम बीज बोते हैं, कोई लता बोते हैं, तो उसको सींचते रहते हैं। सींचना पड़ेगा कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं? और चार नियम पालन करके सींचना पड़ेगा। उसमें बीच बीच में खाद इत्यादि जो है सो इतने बड़े बड़े आयोजन कर करके भक्त लोग डाल रहे हैं, यात्रा ले जा करके उसमें कुछ फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कि जल्दी बढ़े, तेजी से बढ़े। अब साथ ही साथ उसमें कुछ खरपतवार आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, खरपतवार आएगा। अब उस खरपतवार को हटाना भी पड़ेगा। खरपतवार अगर चारों ओर हो गया ना, देखते होंगे कि धान का खेत, धान के खेत के बगल में सरकंडा उग जाता है ना, घास होता है एक प्रकार का, तो वह क्या करता है, खेत का पूरा पानी चूस लेता है, तो धान को मिल ही नहीं पाता है। तो उस सरकंडे को हटाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिए, उसको हटाना पड़ेगा, है ना? तो हमारा प्रयास होना चाहिए और उसको हम खुद से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नया खेती करता है वो पता चला सरकंडे की जगह धान को ही अलगा के फेंक दिया है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? अपने गुरु, अपने काउंसलर, शिक्षा गुरु की जरूरत है, वो बताएं, ठीक है ना? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए भगवान को प्राप्त, भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी कहे, प्रभु कहे सनातना कृष्णेर रतना धना अनेक जतन मिला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। इस संसार में भौतिक हीरा को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, जो कि नाशवंत है। तो सोचिए कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या है मेहनत? 16 माला जप, चार नियम का पालन बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग और कर ही क्या सकते हैं, साधक प्रयास ही कर सकता है, बाद बाकी तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नवधा भक्ति की मेहनत करते रहें बस, और भगवान जब हमारी मेहनत देखेंगे तो उनके हृदय में करुणा होगी, कृपा करेंगे और हमारे हाथों में बंध जाएंगे। भक्ति लता बीज निकली है, अभी हो सकता है भक्ति में आनंद नहीं आ रहे, लेकिन धीरे 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 यह भक्ति लता जो है सो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ये आकाश को भेद करके, क्षीर सागर गर्भोदक सागर को भेद करके गोलोक में भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी। और जब ये भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी ना, उस दिन तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, फिर रस मिलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो दो उंगली कम पड़ रही थी, कृष्ण ने देखा मैया यशोदा बहुत प्रयास कर रही है, और सर्वशास्त्र का सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में दे दिया, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। कृष्ण ने देखा कि मैया क्या कर रही है,
प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, महा मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। यशोदा या परिश्रमम दृष्ट्वा, यशोदा के परिश्रम को देखकर कृपया आसीत स्व बंधने, कृपया उस यशोदा के बंधन में आ गए, बंध गए, बांध दिया गया यशोदा ने कृष्ण को, बांध दिया। हम भी यदि कृष्ण को बांधना चाहते हैं अपने प्रेम में, मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत? सत्संग की मेहनत, नवधा भक्ति की मेहनत, मंगला आरती की मेहनत। कितने लोग आए थे मंगला आरती में? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, बंध गए, कृष्ण रोने लगे। अब कह रहे हैं क्या कृष्ण को वास्तविक रूप से दुख हो रहा है? कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो बाहर से रो रहे हैं जी, अंदर से तो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और सत्यव्रत मुनि तीसरा श्लोक लिखते हैं क्या? इति दिक्ष्व लीलाभिर् आनंद कुंडे स्वगोसम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दिक्ष्व लीलाभिर् आनंद कुंडे आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयशितागेषु भक्तिचित्तत्वाम्, तदीयशितागेषु भक्तिचित्तत्वाम्, तदीयशितागेषु भक्तिचित्तत्वाम्। पुनः प्रेमतस्यं शतावृति वन्दे, पुनः प्रेमतस्यं शतावृति वन्दे, प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। इति दिक्ष्व लीलाभिर् आनंद कुंडे, इति दिक्ष्व लीला, भगवान श्री कृष्ण अपनी इस लीला, इस प्रकार की लीला करके क्या कर रहे हैं? कहते आनंद के कुंड में सराबोर हो जा रहे हैं। सराबोर होना मतलब क्या होता है बताइए तो? हां, डूब जाना, जैसे होली में कभी कभी रंग से सराबोर कर देते हैं, नहीं हाँ, तो उसी को कहते हैं। मैया यशोदा जब कृष्ण को डांटती है ना, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। इसलिए तो कृष्ण ने कहा ना, संसार के लोग मेरी माँ बने, पिता बने, और मुझे क्या बनाए? अपना दादाजी। क्या बनाए? पुत्र बनाए। माता जादि पुत्र भावे करना ताड़न। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए मेरे साथ, माता जादि पुत्र, सब लोग, माता जादि पुत्र भावे करना ताड़न। माता जादि पुत्र भावे करेना ताड़ना, माता जादि पुत्र भावे करेना ताड़ना। अति हीन ज्ञाने करे लालना पालना, अति याद हुआ? किसको याद हुआ? बताइए। नहीं याद हुआ? सब लोग मिलके बोलने का प्रयास करिए, मैं नहीं बोलूंगा, राम श्याम प्रभु भी नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलिए, 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 बोलिए। माता, बोलिए, माता जादि पुत्र भावे। करे ना पाला करे ना ताड़ाना,
फिर बोलिए। वेरी नाइस, गुड। यदि हीन ज्ञाने करे, लालन पालन। अब पूरा बोलिए, बोली 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 बोली। नाव माता जी बोलिए, कम ऑन कम ऑन, बोलिए बोलिए, याद हो गया आप लोगों को, बोलिए जल्दी बोलिए। अरे याद दिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। माता वेरी नाइस, गुड गुड। तो जोर से लाउडली बोलिए, जोर से। जोर से बोलिए एक साथ। अति हीन ज्ञान लालना पालाना। सीख गए? याद रखिएगा, बहुत तत्व वाला सिद्धांत है। चेतन चरितामृत में भगवान बड़े विस्तार से कहते हैं, सकल संसार मोर कर विधि भक्ति। संसार के लोग सभी मेरी भय भक्ति करते हैं, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। नहीं जाएंगे तो मार डालेगा, गाड़ी में जाएंगे तो एक्सीडेंट करा देगा। इतना फुर्सत है हमारे कृष्ण को, ये पसंद नहीं है। धंधा बंद करा देगा, यही करने के लिए बैठे हैं वो। नहीं, भगवान भय का विषय नहीं, भगवान प्रेम का विषय है। प्रेम प्रेम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, बिना संबंध होना चाहिए भगवान से, एक संबंध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। श्री प्रभुपाद भगवद गीता की भूमिका में कहते हैं कि गीता भागवत को समझना है, वास्तव भजन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण से संबंध जोड़ना पड़ेगा। बोले आज हमें पता नहीं है कि हमारा क्या संबंध है, बोले कोई बात नहीं, जप करते रहिए, धीरे धीरे करके संबंध पता चल जाएगा। भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, संबंध होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अपना बेटा कंधे पर भी पिशाब कर दे तो लगता है अमृत का छिड़काव हो रहा है, और दूसरे का बेटा सामने भी कर दे, उधर 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 कर, छी छी छी, यही पे कराते हैं लोग। पर अपना बेटा माथे पे भी कर दे, आहा अमृत। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना है और वो पराया है। तो भगवान चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें, संबंध होना बहुत जरूरी है। एक आदमी का एक संबंध एक नर्तकी के साथ था, बहुत साल से संबंध था। कुछ दिन के बाद गांव वालों ने बोला, अरे कब तक ये ऐसे भटकेगा, इसकी शादी करा देते हैं। शादी कराया और 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट वाले ने फैसले सुनाया कि इसका सारा जायदाद इसकी पत्नी का होगा। तब तक वो नर्तकी आए उधर से, ए ऐसा कैसे करोगे, इसका संबंध 3 साल से है मेरे साथ, ये तो 3 दिन पहले आ गया। कोर्ट ने कहा कि भले इसका संबंध 3 साल से है तुम्हारे साथ, लेकिन वो संबंध वैध नहीं है। भले इसके साथ 3 दिन से है, लेकिन सारा जायदाद इसका ही होगा, क्योंकि यह संबंध है इसका। इसलिए संबंध जोड़ना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान से संबंध जोड़ करके भक्ति करना चाहिए। जैसे हम कल ही बताए कि बहुत लोग पूजा को ही भक्ति मान लेते हैं, लेकिन पूजा भक्ति का चीज है? पूजा भक्ति का चीज? पूजा और भक्ति में अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा है।
जब हमें पूजा करनी होती है तो घर में जो सबसे छोटा स्थान होता है वह होता है भगवान के लिए, और जब हम भक्ति करते हैं तो उस समय सबसे बड़ा हॉल होता है भगवान के लिए। ये अंतर हो जाता है एक भक्ति और एक पूजा में, भाव होना चाहिए। अपने लिए शुद्ध देसी घी और भगवान के लिए 100 रुपए में किलो वाला डालडा घी, इसीलिए बहुत जरूरी है संबंध। बहुत सुंदर उस संत ने बताया कि भाई अगर भक्ति करना है तो भक्ति बहुत बड़ा झमेला नहीं है, जितने मेंबर है बस उसमें एक और जोड़ दो, 4 मेंबर है तो 5, 3 मेंबर है तो 4, बस इतना लंबा चौड़ा झंडा थोड़ी है। अब जब नंदलाल से कृष्ण से संबंध जुड़ गया है तो जिससे संबंध जुड़ता है उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है और कुछ पकड़ना भी पड़ता है। जब एक स्त्री का साथ विवाह किसी पुरुष से होता है तो वह स्त्री कुछ छोड़ती भी है और कुछ पकड़ती भी है, किसके अनुसार से? अपने प्रेमी अपने पति के अनुसार से होता है ना ऐसा। तो जब हमने हमारे प्रेमी को पकड़ लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया है, तो अब उनके अनुसार से कुछ छोड़ेंगे भी और कुछ पकड़ेंगे भी। ध्यान रखिए भक्ति इज नॉट पूजा। लोग भक्ति को पूजा समझते हैं, गलत है। पूजा उपासना 10 मिनट 20 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का कार्य है। भक्ति इज अ रिलेशनशिप, भक्ति एक संबंध है, संबंध का नाम है। जैसे पति एक रिलेशनशिप है, वैसे स्टेज नहीं सिचुएशन नहीं, यह एक रिलेशनशिप है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं उसका पति हूं, उससे पहले कोई मित्र था तो आई एम हर फ्रेंड, वो मेरे मित्र है। अब विवाह हो गया है तो वो मेरा प्रिय हो गया है, वो मेरी पत्नी हो गई, ये संबंध बदल गया। आप भी वही है वो भी वही है लेकिन संबंध बदल गया। तो भक्ति एक रिलेशनशिप का नाम है, जब वो आती है तो आप भक्त हो जाते हैं और जिससे होता है वो भगवान हो जाता है। शादी क्रिया है, आपने कर ली तो आप पति हो गए और जिससे किया वह पत्नी हो गई। समझिएगा बहुत सारे शब्दों को हम बस खाली ऐसे ही फॉलो करते रहते हैं, ऐसे ही झेलते हैं, ना ऐसा नहीं होता है। भक्ति एक रिलेशनशिप का नाम है। अब जैसे आपकी शादी हुई तो आपका हर एक क्या कहते हैं उसको एक्शन जिससे हुई उसे इम्पैक्ट करेगा, सोचेंगे आप उसको, और आप जो भी करेंगे उसको ख्याल में रखेंगे कि हाँ भाई ये उसके लिए होगा। ऑफिस गए तो पत्नी का ख्याल, घर में पत्नी है तो उनका ख्याल आ रहा है, बच्चे हो गए तो भी उनका ख्याल है। सुबह अब जाने का रूटीन हम ऐसे सेट करते हैं कि कुछ समय बच्चों को दे सके, कुछ समय पत्नी को दे सके। तो 2400 घंटा जो क्रिया आप कर रहे हैं वह उसको इंपैक्ट करता है। तो भक्ति 24 घंटे की चीज है ना, यह एक इमोशन है ईश्वर के लिए जो जागृत होती है, और इमोशन का नाम ही क्या है, डिवोशन। यह एक एक्शन नहीं है, इमोशन का नाम डिवोशन है, सीधी बात है। भाव का नाम भक्ति है। बहुत सारे लोग भक्ति को ही पूजा को ही भक्ति मान लेते हैं ना। पहले तुम्हारे देश में बहुत अच्छा था भक्तों की, सब लोग भगवान का विग्रह रखते थे, पूजा करते थे और बहुत सुंदर सेवा करते थे। यमुना जल मा के सर घोली स्नान कराऊं श्याम यमुना जल में केसर गोरी स्नान कराऊं श्याम यमुना जल मां केसर गोरी स्नान कराऊं श्याम हल्के हाथों अंगो चोली लाड़ लगाऊं श्याम ला हल्के हाथों अंगो चोली लाड़ लड़ाऊं श्याम। अद्भुत भाव है, कृष्ण
मेरा बेटा है उसे स्नान कराऊंगी। और कैसे? हल्के हाथों से। कितना सुंदर भाव है। कुछ लोग तो पीताम्बरी लेते हैं और गोपाल जी को लेते हैं और रगड़ देते हैं ना, हल्के हाथों से, कहीं मेरे लाला को चोट ना लग जाए, कहीं उसे खरोंच ना लग जाए, इसलिए छोटे हल्के हाथों से स्नान कराऊंगा। और कुछ लोग तो नल के पास ले जाकर के ऊपर से नल खोल देते हैं, ठंडा पानी सीधे भगवान के ऊपर, अपने लिए नहाने के लिए गीजर और भगवान के लिए डायरेक्ट। इसीलिए कहते हैं कहीं मेरे लाला को नहाते हुए चोट ना लग जाए, इसलिए हल्के हाथों से स्नान करा, धीरे धीरे से। कितना सुंदर भाव है, अद्भुत। वस्त्रो अंगो लुचियापो पिलु पीताम्बर श्यामला, वस्त्रो अंगो लुचियापो पिलु पीताम्बर श्यामला, तेल सुगंधी नाकियापो चाद क्या तो जपाल माँ, सुगंधित वाकिया तुझ मार माँ, ना जल माँ केशर घोरी स्नान कराओ श्यामला, केशर तिलक सजाओ त्रिकम तारा बाल माँ, केरा तिलक सजाओ त्रिकम तारा श्यामला, कुमकुम केशर तिलक सजाओ त्रिकम तारा बाल माँ, कुमकुम केशर तिलक सजाऊं त्रिकम तारा श्यामला, अलबेलिया माँ खोजो अंजन मारा बाल माँ, अलबेलिया माँ खोजो अंजन मारा बाल माँ, यमुना जल माँ केसर गोरी स्नान कराओ माँ, यमुना जल माँ केसर गोरो स्नान कराओ श्यामला, हस्ती जाओ वाटे घाटे नाची उठा तारा ताल माँ, हस्ती जाओ वाटे घाटे हस्ती जाऊं वाटे घाटे नाची उठी तारा ताल माँ, हस्ती जाऊं वाटे वाटे नाची उठी तार माल माँ, नजर न लागे मारा श्याम सुंदर को। क्या क्या भाव है, मेरे श्याम सुंदर को कोई नजर न लगा, नजर न लागे मारा श्याम सुंदर नो टपका करी काल माँ, नजर न लागे मारा श्याम सुंदर जो टपका कर दे काल माँ, यमुना जल माँ केसर गोरी स्नान कराओ श्यामला, यमुना जल माँ केसर गोरी पगमा झांझर रुम झुम वागे कर्मा कंकण बाल माँ, कर्मा झांझर रुम वागे काल कंकण बाल माँ, कंठे माला कानन कुंडल चोर चीतड़ चाल माँ, कंठे माला कानन कुंडल फीसा
कुट मत पहराओ मुरली आप हाथ मोरे मुकुट माथे पहराओ मुरली बाप हाथ मोरे मुकुट माथे पहराओ मुरली आप हाथ मोरे मुकुट माथे पहराओ मुरली बाप हाथ कृष्ण कृपालो निरखी शोभा वारी जाओ मार बाल मा कृष्ण कृपालो निरखी शोभा वारी जाओ माल मा यमुना जल मा केशर घोरी स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल मा केशर घोरी स्नान कराऊं श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो इस प्रकार भगवान बंद गए, बंद इसलिए नहीं रहे थे कि जब भगवान को बांधने का प्रयास किया जा रहा था तो कृष्ण के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां प्रकट हो गई। और क्या कहें कि हम नहीं बांधने देंगे कृष्ण को, इतना आसान है क्या? बहुत सारी शक्ति प्रकट हुई, सब लोग लग गई। और उस समय जब कृष्ण ने देखा स्वमातुस्विन्न गात्राया विस्तस्त्र कब्रस्त्र जह दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसीत स्व बंधने। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी माता बहुत प्रयास कर रही है, उस समय कृष्ण से एक और शक्ति प्रकट हुई। कौन सी शक्ति? कृपा शक्ति। और उस कृपा शक्ति के प्रकट होते ये सारी शक्तियां छोटी पड़ गई और कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, कृष्ण अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए अहुति कृपा के द्वारा आसीत राजी हो गए। किसके लिए? बंधने के लिए। कृष्ण बंध गए। कृष्ण देखा मैया सुधा बहुत परिश्रम कर रही है, कृपया आसीत। कृष्ण के अंदर कृपा शक्ति प्रकट हो गई और कृपा शक्ति के कारण यशोदा परिश्रमं दृष्ट्वा यशोदा के परिश्रम को देखकर कृपया आसीत स्वबंधने कृष्ण उस यशोदा के बंधन में आ गए। यशोदा ने कृष्ण को उखल में कैसे बांध दिया, इसके तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तीन कारण इस श्लोक में बताते हैं कि यशोदा कृष्ण को बांध दिए उखल से। आज तक दुनिया में कृष्ण को कोई नहीं बांध पाया। दुर्योधन चला था ना, बोला बांध दो कृष्ण को, आदेश दे दिया कृष्ण को बांध दो। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, दुर्योधन कहां से बांधेगा, थोड़ा देख ले मैं मुझे पहले फिर प्रयास करना, थोड़ा देख तो ले मुझे फिर बांधते रहना। अरे बांधा तो उसे जाता है जिसका आदि हो, जिसका अंत है, कहां से बांधेगा तू। लेकिन आज मैया ने बांध दिया, क्या कारण है? तीन कारण श्लोक में बताते हैं, भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि भजन साधन करके आखिर भगवान को बांधने का प्रयास तो हम भी कर रहे हैं ना प्रेम से। तो सबसे पहला कारण बताते हैं स्व मातु। कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए क्योंकि स्व मातु, यशोदा मां थी और कृष्ण पुत्र थे। यशोदा कृष्ण को पुत्र समझती थी, अर्थात हम भगवान को प्रेम रूपी बंधन में तब बंध पाएंगे जब हमारा भगवान के साथ संबंध होगा, जैसे यशोदा का कृष्ण के साथ संबंध था। इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया स्वमातु, बंध गए किनसे? स्वमातु, अपनी माता समझते थे कृष्ण। तो भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, केवल पत्थर समझेंगे तो फिर नहीं, चाहे संबंध होना चाहिए माता पिता, माता पिता का, भाई बांधव पुत्र का, प्रिया प्रियतम का संबंध होना चाहिए। संबंध होना बहुत जरूरी, इसे संबंधित एक रामायण में भी लीला है, आप जानते हैं कि यशोदा देवी, क्षमा चाहूंगा, कौशल्या देवी जब भगवान श्री रामचंद्र को दशरथ जी को बोलते हैं कि जाकर के बुला ले आइए, भोजन करने मिलेगा,
भोजन करता। बोले जब राजा भोजन करता, बोले जब राजा नहीं आवही तजी बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, जब राजा दशरथ जी ने बोला राम भोजन करने के लिए आओ, भगवान श्री रामचंद्र नहीं आए, नहीं आवत तजी बाल समाजा। इसके पीछे कुछ कारण है, संत ने इस गुढ़ रहस्य को बताया। राजा जसर जी के बुलाने पर नहीं आए, क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र क्यों नहीं आए, क्योंकि और दशरथ जी वापिस आए और आकर के यशोदा को कहा, कौशल्या को कहा, कौशल्या कौशल्या राम नहीं आ रहा, तुम मुझे भोजन दे दो। कौशल्या रोटी बेल रही थी, बेलन लेकर के गई, ऐसे कैसे नहीं आएगा, जाती हूँ अभी मैं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, भगवान को बुलाने गई, बेटा चलो चलो भोजन तैयार हो गया, तो भगवान ठुमुक ठुमुक करते हुए चला आए। क्यों? राम ने कौशल्या के हाथ में बेलन जो देख लिया है ना, ना। बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि जब दशरथ जी आए तो नहीं आए, कौशल्या नहीं आ गए, क्यों? कारण बोले जी दशरथ जी पिता बन करके नहीं बुला रहे थे, राजा बन करके बुला रहे थे, राज परिवेश में थे, राजा के भाव में थे। जैसे राजा प्रजा को बुलाते हैं वैसे ही भगवान ने बताया, संसार में कोई व्यक्ति अपने मुझे पद प्रतिष्ठा से बुलाएगा 5 लाख रुपया दूंगा, भागवत कथा करा लूंगा। क्या जाएंगे रूपानुगदास कथा कर रहा है, इतना छोटा सा तो है, क्या सुनेंगे उससे, हम बड़ा है लंबा छोड़ा है, लंबा छोड़ा व्यक्ति चाहिए हमको कथा सुनाने के लिए, बाल बड़े बड़े दाढ़ी लंबी लंबा ऐसा व्यक्ति चाहिए, उसका देखो बाल भी नहीं है दाढ़ी तो है ही नहीं, उससे क्या सुनेंगे। एक व्यक्ति बता रहे थे 32 भागवत कथा कराए, कितना 32 भागवत कथा कराए, लेकिन अभी भी कंफ्यूज था कि भगवान कौन है। अब बताइए 32 भागवत कथा कराने के बाद भी कंफ्यूज है, वही जो आयोजक है वही बताता है कि भगवान कौन है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है, कौन है भगवान? एक स्वर में आवाज आना चाहिए, हमको लगता है कुछ लोग सहमत नहीं है, कौन है भगवान? बहुत कम आवाज आ रही है, कौन है भगवान? कुछ लोग को डाउट है, आप लोग को डाउट है क्या, पीछे वाले लोगों को, कौन है भगवान? भगवान है कौन? आवाज नहीं आ रही है, डाउट है ब्रोजी, कौन है भगवान? जोरदार आवाज आना चाहिए एकदम, कौन है भगवान? हाँ कृष्ण। तो उस कृष्ण को बुलाने इसलिए कितनों पैसा खर्च कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े भागवत कथा होते हैं और भागवत कथा वक्ता बोलते क्या है वहां पे बैठ करके मंच पे, ठीक ब्यास देव जी जो बोले हैं उसका उल्टा, ब्यास देव जी बोले हैं भगवान का इतना सुंदर रूप है उसका उल्टा बोलेंगे, भगवान निराकार है, लीजिए। ऐसे लोगों को ब्यास देव की इच्छा होती है कि 2-4 थप्पड़ लगा दूं, लेकिन क्या करें, लगाएंगे बाद में। पहला ही श्लोक भागवत का नहीं समझे, भागवत का पहला ही श्लोक नहीं समझे हैं और भागवत कथा बोल बोल रहे हैं, क्या फायदा ऐसी कथाओं से, बताइए मुझे आप, क्या फायदा होगा? जब भागवत का प्रथम श्लोक ही नहीं पता
जहाँ भगवान के साकार रूप का इतना सुंदर वर्णन है, उसको वही नहीं पता है उसे, तो फिर वो क्या क्या बोलेगा भागवत का, बताइए। जहाँ पे कहा जा रहा है, जन्माधर्शयतोन्वया चरिता चक्षेषुवतेष्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत्सूरया तेजो वारमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान सत्य हैं और ये बता रहे निराकार है। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज बड़े बड़े राज ऋषि, बड़े बड़े योग ऋषि, बड़े बड़े देव ऋषि तपस्वियों के बीच में कृष्ण को दिखाते हुए, उंगली दिखाते हुए कहते हैं, एसवे भगवान साक्षात आद्यो नारायणापमान। ये कौन है, कौन है ये? साक्षात कृष्ण है। और इतना भागवत कथा करने के बाद भी उसे पता नहीं चल रहा है कि भगवान कौन है। विष्णु पितामह पहले ही श्लोक जैसे ही अपनी स्तुति शुरू करते हैं ना भगवान को, इतिमति रूपक कल्पिता वितिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे, उसे पहले ही कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर ये सवे भगवान साक्षात, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये कौन है? साक्षात भगवान है। वहां पे इतने ऋषि मुनि खड़े हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई ऋषि मुनि बोलता नहीं, भीष्म जी आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इतना तीर लगा हुआ है ना आपको, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रहा है। भगवान तो साईं बाबा हैं जी, पगला गए हैं क्या, क्या ये सब बात बोलते? नहीं बोलिए। लेकिन देखिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोल दे। और आज कल के थर्ड क्लास के व्यक्ति कहते निराकार है, निराकार है। मैं एक मंदिर में गया था, वो मैं देखता हूँ कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति बाहर रख दी है और साईं बाबा की बड़ी मूर्ति मंदिर में बिठाए हुए, एसी चल रहा है। मैं बोला हाय रे कलयुग, क्या किया जाए, क्या होगा उसका, आप समझ रहे हैं? कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा, कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो, लिख के रख लीजिए, गारंटेड है। अपने आंखों से देखा, कृष्ण को बाहर मेरे बिठा दिया है, लगता द्वारपाल रहे। अद्भुत स्थिति है, बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचिएगा आप लोग। अब पढ़ाई नहीं, मनमानी भक्ति कर, मनमानी करा तो कुछ भी कर सकता है ना। तो मैं खैर बता रहा था कि भगवान को अभिमान से हम नहीं बुला सकते, भागवत को अभिमान से अथवा पैसा दे करके नहीं समझ सकते कि फलाने व्यक्ति को 2 लाख रुपया देंगे वो हमको भागवत समझा देगा। समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। दूसरा कारण, जब राजा दशरथ बुला रहे थे तो प्रभु भाग रहे थे, खेल रहे थे, तो राजा दशरथ को चाहिए था कि दौड़ करके जाएं और भगवान को पकड़ लें, लेकिन वह खड़े खड़े बुलाए, हे राम चलो खा लो। भगवान ने दिखाया कि जी मुझे पकड़ना है तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा जी। तीसरा कारण, दशरथ जी के बुलाने पे क्यों नहीं आए? और कौशल्या के बुलाने पे आ गए क्यों? बोले दशरथ जी को खुद भूख लगी थी इसलिए बुला रहे थे, भगवान को नहीं खिलाना था। तो ये सब है इसीलिए। और कौशल्या के बुलाने पर तुरंत आ गए। कौशल्या भक्ति है, माँ है, माँ के रूप में गई, संबंध स्थापित है। तो आज मैया यशोदा कृष्ण कोकल के साथ बांध दिए। कारण क्या है इसका, श्लोक में बताते हैं इसका एक कारण, स्वमातु कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण यशोदा को माता मानते थे। दूसरा कारण, परिश्रमम दृष्ट्वा, मतलब
बताइए आपको, माता जी लोग बताएंगे, बताइए परिश्रमम दृष्ट्वा मतलब, बताइए बताइए परिश्रमम मतलब क्या होता है, मेहनत, और दृष्ट्वा मतलब देखना, तो भगवान ने उनकी मेहनत को देखा। और तीसरा कारण, इतना परिश्रम कि उनके बाल खुल गए, बाल बिखर गए, उन्हें अपने देह वस्त्र का कोई ध्यान नहीं रहा। अर्थात व्यक्ति जब तक, जब आत्म तत्व में स्थित हो जाएगा ना, तब भगवान को वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यह भाव से, प्रेम से, मेहनत से, भक्ति से यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं से यशोदा के बंधन में आ गए। इस सिद्धांत को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, एवं संदर्शिता हि अंगम हरिणाम भृत्यवश्यता श्ववशेनापि कृष्णेन यशैदं शैश्वरं वशे। हे परिचित, एवं संदर्शिता ही अंग, इन लीलाओं के द्वारा भगवान दर्शन कराना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि दामोदर लीला के द्वारा भगवान ने एक सिद्धांत मानव समुदाय को दे दिया। क्या सिद्धांत दिया? हरिणाम भृत्य वश्यता। ये हरि जो है, भृत्य, भृत्य मतलब अपने भक्तों के क्या हो जाते हैं, वस में हो जाते हैं। हरि भगवान अपने भक्तों के नौकर बन जाते हैं, भगवान उनके भक्तों के वस में हो जाते हैं। सो वसेन अपि कृष्णेन, कृष्ण स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनते, लेकिन स्वतंत्र होने पर भी, और इतना ही नहीं, यस्य इदम् ईश्वरम् वसे, जो इस संसार के सभी देवी देवताओं के और बड़े बड़े ईश्वरों के भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूरे ब्रह्मांड को जो अपने वश में रखते हैं, ऐसे कृष्ण मैया यशोदा के बंधन में। ये बताने के लिए कि मेरी भक्ति के वश में, मेरी भक्ति करने से मैं वश में हो जाता, मैं मेरे भक्त का दास बन जाता हूं, यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने दिव्य लीला की। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। और जानते हैं उस समय सारथी को कैसे ट्रीट किया जाता है? सारथी माने क्या होता है? ड्राइवर। आजकल जब गाड़ी के ड्राइवर होते हैं तो हम लोग को दाहिना लेना होता है तो क्या बोलते हैं? दाहिना ले लीजिए, है ना, बायां ले लीजिए, ठीक है, सीधा चलते रहिए। अब ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं चलाएंगे हम तुम्हारा गाड़ी, बहुत परेशान करते हो। लेकिन पूर्व में इतना बोला नहीं जाता था, खास करके युद्ध में, युद्ध में बोलने की समय नहीं होती थी। क्या किया जाता था? लात मारा जाता था। बैठे हुए हैं, राइट साइड से लात मार दिया मतलब राइट साइड मुड़ना है, लेफ्ट साइड लात मार दिया मतलब लेफ्ट साइड, पीछे मार दिया मतलब तेज बढ़ाओ, दो बार मार दिए तो और तेज, एक बार मार दिए तो पीछे लेना है, इस प्रकार से कर करके वो बंधे हुए थे नियम। और भगवान को अर्जुन इस प्रकार से लात से मारते थे। कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी कर सकते। और सच कहूं ना भक्तों, भगवान ने जितना आनंद यशोदा मैया को दिया ना, इन लीलाओं करके बता रहे हैं कि मैं भक्तों के कुछ वश में हो जाऊंगा। जितना यह आनंद यशोदा मैया को दिया, वो आनंद आज तक किसी को नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं, नेमम विरंजो न भाव न श्री अपि अंग संशय प्रसादम ले भीरे गोपी यत्तत प्राप विमुक्ति दाता। ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को भगवान ने उतना आनंद नहीं दिया, यद्यपि ब्रह्मा भगवान का कौन है, बेटा है, फिर भी नहीं दिया। भवो माने शिव जी को आनंद उतना नहीं दिया जो भगवान के स्वरूप हैं। श्री श्री अपि अंग संश्रया, 24 घंटा अंग चरण की सेवा करने वाली लक्ष्मी को भगवान ने उतना सुख नहीं दिया। ब्रह्मा भगवान का पुत्र है, शिव भगवान का स्वरूप है, और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। इन निजी लोगों को भगवान ने उतना आनंद नहीं दिया, उतना सुख नहीं दिया जितना सुख देवी यशोदा को दे दिया। प्रसादम ले भी रे गोपी यत्तत प्राप विमुक्ति दात। यशोदा ने भगवान की जो कृपा प्राप्त की ना भक्तों, आज तक कोई कर नहीं पाया।
क्यों, क्या था यशोदा में? क्योंकि यशोदा कृष्ण को अपना लाला मानती थी। कृष्ण के साथ यशोदा का एक बहुत सुंदर संबंध था, सुंदर माधुर्य संबंध था, इस कारण से कृष्ण को मान लिया। बहुत सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन बांध यो सुर असुर नाग मुनि परबल कर्म की डोरी। जिस भगवान ने इस संसार के समस्त जीव को अपने कर्म की रस्सी के से बांध के रखा है और संसार के सब लोग बंधे हैं और बंधने वाले भगवान कृष्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को किसने बांध दिया? सोई अवचिन्न ब्रह्म यशोमती हठी बांध यो सकल न छोरी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यशोमती यशोदा ने बांध दिया, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यशोदा ने बांध दिया। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों को तपस्वियों को भगवान ने इतना सुख नहीं दिया। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्तिमती। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों को तपस्वियों को ध्यानियों को भगवान का भगवान ने उतना सुख नहीं दिया जितना यशोदा को दे दिया। उतना सुख दे दिया क्योंकि यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया था, भक्ति की थी, उनके साथ संबंध जोड़ करके रखा था। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण को बांध करके यशोदा ने सभी दास दासियों को कहा, जाओ जाओ सब लोग अपना अपना काम करो, क्योंकि सब लोग खड़े हो गए ना, लाला बांधा रहे हैं तो देखना पड़ेगा, सब लोग खड़े हैं। और तो यशोदा ने कहे, चलो जाओ सब लोग अपने अपने काम में जाओ, और कृष्ण को उसी स्थिति में छोड़कर चली गई सब लोग। तो कृष्ण रोने लगे। सूरदास जी अपने पद में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण को बांध दिया है, अब यह खबर पूरे गोकुल में फैल गई है। और आज बलराम जी घर पे नहीं थे, बलराम जी रोहिणी के साथ कहीं भोजन करने के लिए गए थे। बलराम जी के कान में यह बात गई, कृष्ण को किसी ने बांध दिया है। बलराम जी अनंत सेव के शेष के अवतार, कृष्ण को बांध दिया, बड़े क्रोधित हुए, कृष्ण को बांध दिया है ये पता चलते ही दौड़ते हुए आए, लेकिन किसने बांधा ये पता नहीं था। क्रोधित हुए दौड़ते दौड़ते आए, किसने बांधा मेरे भाई को? जिस किसी ने बांधा है आज उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे को अनाथ कर दूंगा, उसके माता पिता सबको मार दूंगा। बलराम जी क्रोधित, मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं जानते थे कि किसने बांधा हुआ है। बांधने वाला जानता नहीं कृष्ण किसका भाई है, संकर्षण का भाई है, अनंत शेष का भाई। बलराम जी बड़े क्रोधित होकर के घर पे आए, जब पहुंचे तो पता चला किसने बांधा है, बोले मैया ने बांधा है। बलराम जी की सारी हैकड़ी निकल गई, बहुत कुछ चढ़ा करके आया था, मार दूंगा काट दूंगा ये करूंगा वो करो, सारी हैकड़ी खत्म। बलराम जी कृष्ण की खबर लेने गए, क्या हालत है? बलराम जैसे ही कृष्ण के पास गए, भाई को देख करके भगवान और जोर से रोने लगे, पैं पैं भैया 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 बचा बचा। बलराम ने डांटा, मैंने कहा था तुझे चोरी मत कर, चोरी मत कर, बार बार चोरी करता है, अब सजा भुगतो, कैसे छुड़ाऊं, क्या करूं, सोचने लगे क्या करूं मैं, बताओ। दुनिया का कोई आदमी बांधा रहता भी तुरंत छुड़ा देता, क्या करूं, मैया ने बांधा है, बोलो। बोले ठीक है, प्रयास करता हूँ, रोवो नहीं, चुपचाप रहो, देखता हूँ अभी, छोड़ दे तो अच्छा है। बलराम जी गए मैया सुधा के पास, गए मैया अब छोड़ दो इसको, मैया तो सीधी खड़ी है, गृह कार्य कर रहे, मैया सुनाई नहीं दे रहा, छोड़ दो अब, बहुत बांध दी इनको, छोड़ दो। क्यों? बोले मैया अब छोड़ दो, कितना देर बांधोगे, क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रेम से मनाया नहीं, बोले तुम जानती हो कौन है? बोले कौन है? बोले कोई साधारण बालक नहीं है, तूने जिसे बांध के रखा है। अच्छा ये साधारण बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, साधारण नहीं है। बोल नहीं, कौन है बता, तू बता, तू अब मुझ मेरे को बता ये है कौन। बोले ये साक्षात विष्णु है, विष्णु मैया। सतयोग में इन्हीं विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, इसी तरह लाला ने वामन अवतार लेकर के दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, इसी कृष्ण ने परशुराम अवतार लेकर के 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्र कर दिया, इसने ही त्रेता में राम अवतार लेकर के रावण को मार दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है मैया, ये साक्षात विष्णु है, विष्णु। अच्छा ये विष्णु है मैया, जैसे की तैसी खड़ी है,
ये बिल्ली के म्याओं म्याओं सुन करके दौड़ करके मेरे गोद में छिप जाता है। ये विष्णु है, इसको विष्णु है, और इसको पता नहीं है कि चंद्रमा ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, उसके प्रतिबिंब को देख करके ये खेलता है और ये विष्णु है। अच्छा ठीक है, मान लिया ये विष्णु है, तू कौन है थोड़ा तू भी बता, अपना पहचान दे दे। मैं अनंत शेष, मेरे अनंत अनंत फन है, और मेरे फन के ऊपर करोड़ों ब्रह्मांड टिके। मैया एक मस्तक खिला दू ना, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड गिर जाएगा। इतना बोलना था कि वहीं पे छड़ी पड़ी हुई थी, उठा लिया और छड़ी उठाकर सारे अवतार मेरे ही घर पे होने थे। भागता है कि नहीं? भागे बलराम जी दुम दबा करके वहां से, नहीं तो अभी मैं भी बंद जाऊंगा। भागो आए थे छुड़ाने के लिए, साधारण रस्सी के बंधन में बंधे होते तो बंध जाते, खुल जाते। भगवान की अद्भुत लीला है। इस लीला में भगवान ने भक्त को भक्त ने भगवान को बांध दिया है। इस लीला को सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम में वर्णित करते हैं। अभी तक हम लोग दामोदर अष्टकम कितना श्लोक सुने? तीन। अब इस दामोदर अष्टकम की महिमा अगर कहूं, भक्तों तीन श्लोक गाते ही भगवान सत्यव्रत मुनि के सामने प्रकट हो गए। अद्भुत है, अद्भुत। अब बोलेंगे प्रभु जी हम लोग भी तो गाते हैं डेली, कहां होता है वो प्रेम से वो भाव नहीं हमारे जी। भगवान तो हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे। भगवान प्रकट हो गए क्योंकि ये दामोदर लीला भगवान को बहुत पसंद है। भगवान प्रकट हो गए और सत्यमूर्ति को कहने लगे कि आप मेरी दामोदर लीला गा रहे हो, आज मैं आप पर पूर्ण प्रसन्न हूं, जो चाहिए सो मांग लो। भगवान कहने लगे मांगो मांगो मांगो। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं क्या? वरम देवं मोक्षम न मोक्षावदिं वा वरम देवं मोक्षम न मोक्षावदिं वा वरम देव मोक्षम न मोक्षावदिं वा न चन्यं विनेहं वरिषादपिहा न चन्यं विनेहं वरिषादपिहा न चन्यं विनेहं वरिषादपिहा न चन्यं विनेहं वरिषादपिहा इदं ते वपुर्णात् गोपाल बाला 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 सदा मे मनस्याय विरास्तां कि मन्ये 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 वरं देवं मोक्षं न मोक्षावदिं वा। जब भगवान ने सत्यव्रत मुनि से कहा जो चाहिए सो मांगो, तो उसमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ आप वर देने में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आज मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप दे दोगे, लेकिन सत्य कहूँ तो मुझे आपसे कुछ कुछ नहीं चाहिए, लीजिए। देने वाला तैयार है, अरे ले लो। ये बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हम होते तो थोड़ा प्लान करो प्रभु, कब तक बाय मोटरसाइकिल से चलेंगे, एक कार दे दीजिए ना अब वो एक गांव में कब तक रहेंगे भाव, बड़े बड़े सड़ गए, थोड़ा कुछ बॉम्बे दिल्ली हो जाए तो बड़ा आनंद होता, एक फ्लैट दिला दीजिए ना वहाँ। अब वो बैंक बैलेंस भी आप देख ही रहे हैं, वही 10,000 1,00,000 2,00,000 रहता है, थोड़ा करोड़ में बदल जाता तो मज़ा आ जाता, यही मांगते ना। लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं ना, जो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना भक्त, वो भगवान से नहीं मानते हैं। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, वो सब कुछ देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।
जो चाहिए मुक्ति तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त मुक्ति भी ठुकरा, नहीं चाहिए मेरे को। यशोदा देवी के सामने जब भगवान प्रकट हुए, भगवान खड़े हैं, सहसा यशोदा देवी पत्थर से स्त्री के शरीर में आई तो चमक गई। कहते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भए तप पुंज सही पर सत पद शोक न सावन प्रगट भए तप पुंज सही पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, अहिल्या देवी प्रकट हो गई। भगवान का चरण रज स्पर्श होते अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई, तेजोमय अब प्रकट हुई है। प्रकट होकर के अब सहसा, अब कोई व्यक्ति नींद से जगा है काफी सालों के बाद, और सहसा देखिए तो मेरे सामने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र खड़े, क्या करेगा वो, क्या करेगा, सोचिए जरा क्या करेगा। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार भए अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार भए। के भगवान के पास खड़ी है, भगवान की स्तुति करना चाह रही, लेकिन सहसा प्रकट हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये है प्रेम की प्राकाष्ठा, दोनों आंखों से प्रेम की धारा बह रही है, अश्रुओं की धारा बह रही है, ये है प्रेम की धारा। हमारे वैष्णव आचार्यों भी ने मांगा ना, गोरंग बोलिते होबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बही बेनीरा। हे प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, कोबे की मैं गोरंग नाम लूंगा और मेरे शरीर पुलकित हो जाएंगे, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ेगी। कब ऐसा दिन आएगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और मेरा मन भगवान के नाम में जल जाएगा, कब ऐसा दिन आएगा प्रभु, कोबे। हति सय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन धार बहे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्ना रघुपति कृपा भगति पाई धीरज मन कीन्हा प्रभु कहो चीना रघुपति कृपा भगति पाई अहिल्या की वाणी गदगद हो गई, आंखों से अश्रु की धारा बह लगी। अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी या
काही शरण आई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगे। हे राजीव लोचन, हे कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर सुगंधित अंग वाले हे राम, आज मैं धन्य हो गई प्रभु, आज मैं धन्य हो गई, आज आपका दर्शन मिला, आपका चरण रस मिला। और सच कहूं प्रभु, ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है ना, इसके पीछे एकमात्र कारण है, और क्या है? गौतम ऋषि की कृपा। अगर उस ऋषि ने, उस साधु ने मुझे अगर श्राप ना दिया होता ना, तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं होती। कई बार गुरुजन हमें क्रोध करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार कोई गुरु किसी शिष्य को डांटता है तो बहुत बुरा लगता है, परंतु यह शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है। जब कोई वरिष्ठ, जब कोई गुरुजन अपने आश्रित को क्रोध करता है ना, तो वह क्रोध नहीं, उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह है, वह कृपा करने के लिए कर रहा है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, 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 परम अनुग्रह में माना देखूं भरी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना देखूं भरी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अहिल्या ने कहा लाखों लाख वर्षों तक होम हवन करने पर भी मुझे आपकी प्राप्ति ना हुई होती प्रभु, अगर वह ऋषि मुझे कृपा नहीं करता। भगवान ने कहा अहिल्या, अहिल्या मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। अहिल्या कहती है प्रभु, प्रभु 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 मैं तो जन्म से नारी हूं, वो भी अपावन में क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं मांगना। लेकिन अगर आपको देना ही है, अगर आपको देना ही है तो क्या कहते हैं? पद कमल परागा रस अनुरागा, 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 मम मन मधु पकरे पाना जे पद सुर सरिता, परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी। प्रभु आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए कि आप कृपा करिए कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी कमल के पराग रख में आ सकते। जैसे प्रभु भोरा कहीं दूर से आता है और कमल के पराग में आ सकते रहता है, कमल के ऊपर बैठता है, भोरा देखता है कि संध्या का समय हो रहा है, अब कमल बंद होने वाला है, अगर मैं नहीं उड़ा तो कमल बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। भोरा अपने प्राण को त्याग देता है लेकिन कमल के पराग रस को नहीं त्यागता। प्रभु ठीक उसी प्रकार मेरा मन रूपी भोरा यहां से उड़े और आपके चरणों में लगे प्रभु, और फिर वो वह कहीं नहीं उड़े। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम गाते हुए राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, चंद्र भगवान की जय।
तो भगवान कह रहे हैं मांगो सत्व्रत, जो चीज तो मांग लो भगवान के सत्व्रत मुनि। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुझे पता है कि आप वर देने में सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे जो कुछ भी मांगूंगा आप दे दोगे, लेकिन सत्य कहूं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे संसार का भोग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्षावधिंगवा मोक्ष की जो सीमा है वैकुंठ वो भी नहीं चाहिए मुझे। ये भक्तों का भाव है। भगवान कपिल देव ने कहा कि भगवान के भक्त अपने भगवान अपने भक्तों को मुक्ति तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भक्त वह मुक्ति को ठुकरा देते हैं। सत्व्रत जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो, सत्व्रत कहे कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, तो कहते हैं इदम, उंगली दिखाते हुए, क्या इदम, इदम ते वपुरनाथ गोपाल वालम, कहते हैं प्रभु प्रभु उंगली बता रहे हैं इदम, ये जो आपका ते, ये जो आपका वपु, वपु मतलब भगवान का शरीर, ये जो आपका रूप है ना प्रभु, आप उकल के साथ बंधे हुए रो रहे हो, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, ये बाल गोपाल ये दामोदर का रूप, सदा में मनुष्य अविरास्ताम की मन ने, ये आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में टिका रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए आप मुझे, ये आशीर्वाद चाहिए, ये छवि आपको की मन ने इसके इस स्वरूप को मन में टिकाए रखने की वस्तु छोड़ करके मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनों ही धन संपत्ति मिल जाए क्या फायदा, कितने प्यारे लग रहे भगवान आप देखिएगा तो, जहाँ पे यशोदा देवी बांध रहे हैं भगवान देख रहे हैं आंखें टेढ़े करके, थोड़ा उदास हैं, कितना सुंदर स्वरूप है ये अद्भुत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वास्तविक धन तो भगवान है भक्तों, दूसरा कृष्ण। दसम स्कंद में आगे एक लीला आती है, एक दिन मथुरा की फल विक्रेणी ब्रज में आई और उसने मथुरा में ही ठान लिया था कि आज मैं बिना भगवान का दर्शन किए हुए नहीं जाऊंगी। थोड़ा मथुरा वासियों के लिए भगवान का दर्शन दुर्लभ होता है, लेकिन वह उत्कंठा से भगवान का दर्शन करने की उत्कंठा से आज ब्रज में आई और फल थे कुछ देर तक, कहने लगे कि सेब ले लो, नारंगी ले लो, केले ले लो, बहुत देर तक किया और उसके बाद कुछ देर के बाद ऐसी मती लगी, कहने लगी कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, नटवर ले लो, मदन ले लो, मोहन ले लो। तो ब्रजवासियों को सहज में दर्शन हो जाते हैं, उसके हृदय में ऐसी उत्कंठा मतलब दर्शन हो जाते हैं, मथुरा वासियों की थोड़ा दूर है, लेकिन वह संकल्प लेकर के आई नंद भवन के, संकल्प नंद भवन के सामने चक्कर लगाती हुई उच्च स्वर से फल ले लो चिल्लाने लगी। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री कृष्ण में ऐसी तन्मय हो गई कि फल के समय भगवान के नाम को बेचने लगी, नाम हाट लगा दी वो, नाम हट, आपके यहाँ भी नाम हट सेंटर है ना, ये नाम हट ठाकुर भक्ति बिनो शुरू किए, उससे पहले वो फल विक्रेणी ने ही शुरू कर दिया था। तो अब जब श्री कृष्ण ने फल विक्रेणी की टेर सुनी, आवाज सुनी, तो भगवान तो जान गए थे कि आज ये मानेगी नहीं, वे स्थिर नहीं रह सके। मैया की गोद से उतर करके गेहूं की ढेरी से एक अंजलि में कुछ गेहूं के दाने उठाकर फल विक्रेणी के पास आए, छोटी सी अंजलि, उसमें भी कुछ ही दाने, कुछ दाने तो रास्ते में गिर गए, दो चार दाने फल की टोकरी में डाल दिए, बोले अरे फल वाली फल दो। फल वाली तो कुछ क्षण बाल भगवान के बाल स्वरूप को देखते रही और देख करके एकदम एकटक देखते रह गई, ठगी सी रह गई। अब फल विक्रेणी ने जब चेत हुआ, बोले लाला
फल के लिए तो धन चाहिए और धन तो तूने चार दाना दिया, इसमें क्या फल दो। लेकिन अगर पिछ फिर भी चाहिए तो मेरी गोद में बैठ करके एक बार माँ कहो तो फल दे दूंगी। श्री कृष्ण चारों ओर देखा कोई नहीं है, भगवान झट से उसके गोद में बैठ गए और कहा माँ, और कह करके फिर क्या हुए, खड़े हो गए, फल मांगने लगे। फल विग्रहणी की मन की इच्छा पूर्ण हो गई, वह सारे फलों को श्री कृष्ण को देना चाहती थी, परंतु अब भगवान के हाथ में कितना फल आएगा। दो चार फल दे दिए, कन्हैया फल लेकर के घर में आंगन में बैठे यशोदा के आंचल में रख दिए। मैया ने पूछा फल कहाँ से मिला, श्री कृष्ण ने इशारा किया उधर से। मैया बड़ी आनंदित हुई, उन्होंने वहां उपस्थित सारे गोपियों में फल बांट दिए, किंतु आश्चर्य का विषय था कि वह फल कम नहीं हुए, फल भी बड़े मधुर और स्वादिष्ट थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर फलवाली को कुछ होश हुआ, उसका अब जो कृष्ण को देख ले उसका चित्त क्या होगा। कुछ समय के बाद जब किसी गोपी ने उसको झकझोरा कि मथुरा नहीं जाना है आज, यहीं रहोगी, शाम हो गया क्या, जाती हो, चल पड़ी। मार्ग में यमुना के तट पर जैसे ही पहुंची तो उसे टोकरी बड़ी भारी लगने लगी, उतार करके देखा तो पता चला टोकरी विभिन्न प्रकार के मूल्य रत्नों से भरी हुई थी, हीरे मोती जवाहरात से टोकरी भरी हुई थी। यदि हम में से कोई होता तो वाह, कृष्ण ने सुन लिया, भक्ति का फल दे दिया, यही तो चाह रहे थे। लेकिन भागवत का ये सिद्धांत भक्त, उस समय वो फल वाले का हृदय में बड़ा दुख हुआ, फपक फपक कर रोने लगी, श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मैं ठगी गई, प्रेम में विलाप करने लगी। बस कृष्ण आपने मुझसे थोड़ा सा धन लेकर के ठुकरा दिया, कृष्ण ये संपत्ति के लिए मैंने आपको फल नहीं दिए थे, कृष्ण ये धन संपत्ति के लिए मैंने आपकी सेवा नहीं की थी, कृष्ण मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आज तो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं और भक्ति के बदले पैसा चाहते, ये घाटे का धंधा है जी। फलवाली ने कहा कृष्ण हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले प्रेम चाहिए। उस समय उसने कीमती हीरे जोहरात समय टोकरी यमुना की धारा में प्रवाहित कर दी। तुरंत आया ना, कहां पे किया था प्रभु जी, थोड़ा चुंबक उंबक डाल के देखेंगे कुछ मिल गया तो आया क्या, समझ रहे भगवान के भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि अगर ये कुछ दो चार लाख, दो चार करोड़, एक दो अरब, दो दस अरब रुपए लेकर के मुझे छोड़ दे तो मैं छुटकारा पालू, कौन बंधेगा बताइए, बनना चाहेगा नहीं ना, कौन जेल में जाना चाहेगा, पुलिस वाला 5-10 हज़ार रुपया लेकर के छोड़ दे वही ठीक है, मैं तो बच गया ना। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम जगदीश कामये मम जन्मणि जन्मणीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकितो वई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे जगत में नाम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भगवान की यही तुकी भक्ति, एक और मात्र एक क्या चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि भगवान के सामने खड़े हैं, मांगो मांगो कुछ नहीं चाहिए। आप इतिहास खोल करके देखिए भगवान ने कहा है मांगने के लिए, वित्रासुर हो, रामायण का केवट हो, केवट को दे रहे थे अंगूठी नहीं लिए, भगवान इन सबको सब कुछ देने के लिए तैयार थे, भगवान से इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। जब मांगना हुआ तो क्या मांगा, पर सत पद पावन है ना, क्या मांगा, प्रेम मांगा, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधप करे पाना। कुंती देवी ने दुख मांगा,
सत्यव्रत मुनि ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो ये दामोदर रूप आपका बाल गोपाल सदा में मनुष्य विरासताम की मन सदा सदा के लिए मेरा मन में बसे रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों, क्या करोगे मेरे छवि का? बोले प्रभु आनंद आएगा। बोले आनंद क्यों आएगा, मैं जो करूं क्या? बोले नहीं प्रभु, आपकी छवि इतनी सुंदर है ना। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं सुंदर हूँ? भगवान को भी अपनी सुंदरता, भगवान को अपनी बड़ाई सुनने में बड़ा मन लगता है। आप भी देखिए, अगर कोई आपकी बड़ाई करे तो अच्छा लगता है कि नहीं आता, बताइए, सच बताइएगा, लगता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलिएगा, लगता है ना? कोई एक साइड आपको 500 रुपए दे और इधर बोले कि फलाना भाई इतना सुंदर दिखते हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर व्यवहार है, 500 रुपए छोड़ करके तुरंत कान लगा देंगे, क्या बोल रहा है? भले बाहर से बोलेंगे नहीं नहीं मत बोलिए, लेकिन अंदर से बोलेंगे, बोलते जाए बड़ा अच्छा लग रहा है, हृदय को सुकून मिल रहा है, होता है ना? होता है कि नहीं? तो ये गुण भगवान में ही है, इसीलिए हमें भी आ रहा है, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भगवान को बोलना चाहिए कितना सुंदर लग रहे हैं आप, समझ रहे? भगवान ने कहा मेरी सुंदरता क्या है बताओ। तब सत्यव्रत मुनि आगे लिखते हैं, इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले, मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले, वृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या, वृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या, इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले, इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधर मे, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधर मे, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधर मे, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधर मे, मनश्याय विरासताम् अलं लक्षलाभे, मनश्याय विरासताम् अलं लक्षलाभे, मनश्याय विरासताम् अलं लक्षलाभे, मनश्याय विरासताम् अलं लक्षलाभे। सत्व्रत मुनि कहते हैं प्रभु आपकी छवि इतनी सुंदर है, इदम, इदम मने निर्देशन शब्द, निर्देशन करते हुए दिखाते हुए बताते, इदम ते मुखाम भोज अत्यंत नीले, प्रभु ये आपका बहुत सुंदर नीले वर्ण का शरीर, संघन श्याम वर्ण का अद्भुत शरीर, और उसमें भी आपका ये मुख कमल, आपका ये प्रसन्न चेहरा, और उस चेहरे के ऊपर ये सुंदर सुंदर घुंघराले वृतंग कुंतले करली किए हुए बाल, कुछ माता जी लोग करली कराते ना ब्यूटी पार्लर में जा करके, लेकिन भगवान का बाय डिफॉल्ट करली किया हुआ बाल है ना, और भगवान का बाल हमारे जैसे तांबे की तरह नहीं है, क्या है, बहुत सॉफ्ट है, स्निग्ध, बहुत सुंदर सॉफ्ट है ये बाल, और गोपियां, गोपियां मतलब यशोदा के द्वारा मुहुश्चुम्बितम, बार बार आपके इस मुख का चुंबन किया जा रहा है प्रभु, अपने लाला को चुंबन कर रही है, और भगवान के गाल कैसे हैं, बिंब कुंदरी जानते हैं ना आप लोग, कुंदरू 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 पक जाने से कैसे हो जाता है लाल, ऐसे ही भगवान का ओठ है, क्यों नहीं चुंबन करेंगे? आज का एक पंच महाभूत से बना हुआ थर्ड क्लास बच्चा होता है, उसको भी अपने माता पिता चुमते हैं, मेरा लाला ऐसा, मेरा लाला वैसा, काजल का तिलक लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो, नजर न लग जाए, तो भगवान क्यों नहीं? ये तो अखिल ब्रह्मांड लायक है, पर ब्रह्म है, जिनका चिन्मय देह है, चिन्मय विग्रह है। यशोदा बार बार कृष्ण को अपने गले लगा लेती थी और उनके मुख को चुंबन करती थी, कृष्ण आपका बहुत सुंदर है मुख कमल, और उस मुख में लाल वर्ण के अधर अद्भुत ओष्ठ, आपकी सुंदरता अद्भुत है कृष्ण, एक बार कोई आपकी सुंदरता देख लेना तो फिर वह जगत का नहीं रह जाता, वह क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। रूप गोस्वामी पद्यावाली में कहते हैं ना कि अगर गृहस्थी में ही पड़े रहना चाहते हो
फंसे रहना चाहते हो, अगर घर गृहस्थी में ही आनंद लेना चाहते हो, तो कभी भी भूल कर से वृंदावन मत जाना, भूल से भी मत जाना। चाहते हो कि जीवन में ही बने रहें, यही फंसे रहें, रसे फंसे रहें, आसक्त रहें, तो गलती से भी वृंदावन मत जाना। अगर वृंदावन चले गए यमुना के तट पर मत जाना। मान लिया गलती से वृंदावन चले गए, वृंदावन पहुंच गए तो यमुना के तट पर मत जाना, और यमुना के तट पर भी चले गए तो अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि अगर आंखें खुल गए और गलती से भी तीनों अंग से टेढ़े, राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो गए ना जी, फिर तो व्यक्ति अपना नहीं रहता, उस श्याम सुंदर का हो जाता है, अद्भुत सुंदरता है। त्रिभुवन कमलम याद है ना, रवि करे गौरे वराम वराम दधाने त्रिभुवन कमलम प्रमाल वरणम, रवि करे गौरे वराम वराम दधाने त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम, रवि करे गौर वराम्बरम दधाने त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम, कवि करे गौर वराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृतान नाचम विजय सखे रति रास्तु में नवध्या वपुरलककुला वृतान नाचम विजय सखे रति रास्तु में नवध्या। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वित्रेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनी, इति मति रूप कल्पिता वित्रेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनी, स्वसुखमुपगते क्वचित् प्रकृते मुपे युष्या प्रवाह स्वसुखमुपगते क्वचित् प्रकृति मुपे युष्या प्रवाह। क्या कहते हैं, प्रभु प्रभु अब मैं अपने शरीर को छोड़ने वाला हूँ, और छोड़ने से पहले मेरी एक कन्या है उसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूँ। भगवान कहे आपकी कन्या कैसी हो गई, आप तो शादी ही नहीं किए, संसार तो जानता है कि आप अखंडित ब्रह्मचारी, ऐसा कैसे कर दिया। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरी कन्या कोई और नहीं, मेरी मति मेरी कन्या है, और मरने से पहले इस मति को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। बोले अच्छा, आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कराना चाहते हो, चलो ठीक है, तो आपकी कन्या मुझे पसंद करती है क्या। तब भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको नहीं पसंद करता है, तीनों लोकों में रहने वाले, इसलिए कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करे गौर वराम्बरम दधाने, रवि करे कमनम तमाल वर्णम रवि करे गौर वराम्बरम दधाने, पुरलक कुला वृतान नाचम विजय सखे रति रास्तु में नवध्या, पुरलक कुला वृतान नाचम विजय सखे रति रास्तु में नवध्या। त्रिभुवन कमलम, तीनों लोग
लोक में रहने वाले सभी लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ये तमाल वर्णम आपका ये सुंदर सा तमाल के तरह रवि कौर गरम बराम बरम दलहन बहुत सुंदर। तो कौन आपको पसंद नहीं करता है प्रभु, कौन पसंद नहीं करता है? अद्भुत विग्रह, अद्भुत सुंदरता है भक्त त्रिभुवन। और जिस दिन कृष्ण की सुंदरता देख लिए ना, पागल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जिस दिन श्याम सुंदर की सुंदरता देख लिए पादल पागल हो जाएंगे, एकदम एकदम पागल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल देख करके ही पागल होया जा सकता है, सुन करके भी पागल हो जाते हैं। राजा भीष्मत की कन्या थी, चार कन्या थी, और चार भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी और बहन का नाम रुक्मणी। पूछा गया, बेटा किसके साथ विवाह करोगी? रुक्मणी ने कहा कृष्ण के साथ। माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने संतान से पूछे विवाह से पूर्व, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बांध देना चाहिए, ठीक है? अब बच्चों का भी कर्तव्य है कि किसी थर्ड क्लास व्यक्ति को ला करके अपने पिता के दामाद के रूप में नहीं बिठा देना चाहिए, उसमें गुण होना चाहिए, तब वह स्वीकार्य है। अन्यथा कोई लफंदर है उसको पकड़ के ला करके बिठा दे तो वह स्वीकार्य नहीं है। पूछा गया, बेटी किसके साथ विवाह करोगे? रुक्मणी ने कहा कृष्ण के साथ। पिताजी तैयार हो गए, लेकिन उसका भाई जो था कैसे तैसे करके जरासंघ से मित्रता कर चुके थे। एक दिन रुक्मी जरासंघ के साथ बैठा था और कहा, मेरे बहन का विवाह हम लोग कृष्ण के साथ तय कर रहे हैं, ठीक तो रहेगा ना? जरासंघ ने कहा, दुनिया में और कोई दूल्हा नहीं मिला? अपनी बहन को आत्महत्या करवा देना, मार देना, घर पे कुंवारी बिठा करके रख देना, मगर जीवन में कृष्ण के साथ विवाह मत कराना। बोले ऐसा क्यों? बोले कृष्ण जैसा कायर आज तक मैंने नहीं देखा, उसके साथ विवाह मत कराना। रुक्मणी कहा ठीक है, अच्छा कोई अच्छा लड़का है तुम्हारे? नहीं बोला है ना, कौन? बोले सर्वगुण संपन्न शिशुपाल। अभी इसके अंदर क्या गुण थी? जन्म से कृष्ण को गाली देता था, पहले पैदा हुआ और बोला ताला कृष्ण तोल है। गाली तो शुरू से ही देता था, लेकिन बड़ी विडंबना थी, नाम रखा गया था इसका शिशुपाल, लेकिन भगवान ने इसको कभी शिशु वाला बनने ही नहीं दिया। घर रुपे रुक्मी वापिस आया, बताया तुम्हारा विवाह मैंने शिशुपाल से फिक्स कर दिया, कृष्ण से नहीं होगा। रुक्मणी तो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, महाराष्ट्र में रहती थी, और उन दिनों कृष्ण सौराष्ट्र गुजरात में रहते थे, द्वारका में। उस समय कोई साधन नहीं था, तब देवी रुक्मणी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में 8 श्लोक थे, एज इट इज सुखदेव गोस्वामी ने उस लव लेटर को भागवत में रख दिया है। कभी पढ़ने की इच्छा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर प्रेम पत्र भगवान का। पत्र लिखा, ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण द्वारका पहुंचे, कृष्ण ने बहुत सुंदर स्वागत किया। उस ब्राह्मण के आने से पूछा, बोला आपके लिए रुक्मणी ने पत्र भेजा। बोले कौन रुक्मणी? बोले आप नहीं जानते? नहीं। बोले मैं कोई रुक्मणी को नहीं जानता, वास्तव में भगवान नहीं जानते थे। बोले ठीक है, नहीं जानता हूं, लेकिन पत्र भेजें तो तुम ही पढ़ो। बोले नहीं, आपके लिए भेजा। बोले नहीं, तुम ही पढ़ो, ये स्त्रियों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। पता नहीं फिर कुछ होगा तो उसमें तुम गवाह तो रहोगे, तुम ही पढ़ो। कौन फंसना ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लिखा होगा तो फालतू में कौन फंसता है? भगवान ने कहा तुम साक्षी हो, अपने हाथ से खोलो। ब्राह्मण ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। भगवान पत्र सुनते रहे, अद्भुत प्रश्न भाव यह था, रुक्मणी ने लिखा था कृष्ण मैं आपको दिलो जा से प्रेम करती हूँ, आपको चाहती हूँ और आपके बिना जी नहीं सकती, परंतु मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, और मेरा विवाह आपको छोड़कर अन्य किसी के साथ हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, विवाह करूंगी तो आपके साथ, इसलिए कृष्ण यहाँ पर आइए और मुझे लेकर के जाइए। अब कृष्ण सोच में पड़ गए, ना कभी ये कॉलेज जाते हो कि रोड पे मिली, ना कभी बस पे दिखी, ना ही साथ में पढ़ती थी, फेसबुक पे भी इतने फ्रेंड रिस्ट है कभी इसका नाम नहीं सुना, ना व्हाट्सएप पे कोई फोटो चैटिंग कुछ भी नहीं, मेरे को जानती नहीं, देखी नहीं, कैसा है? प्रेम करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कैसे?
बिना आधार के प्रेम कैसे? तब मानो भगवान उनको टेलीफोन लगाए होंगे, उसमें नंबर रहा होगा तुरंत, हाँ रुक्मणी बताओ, अच्छा तुम कैसे हमको चाहने लगी? हम लोग कभी मिले नहीं, कभी बात भी नहीं हुआ, आज पहली बार ये कन्वर्सेशन चल रहा है, कैसे हो गया? भगवान ने कहा देखो ये कुलवती नारी के लिए ठीक बात नहीं है किसी पराये पुरुष के ऊपर, पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना बिना मिले। तक रुक्मिणी ने कहा कृष्ण मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं मिली और आप भी मुझसे कभी नहीं मिले, परंतु बड़े बड़े साधु संतों के मुख से, बड़े बड़े भक्तों के मुख से आपकी कथा सुनी हूँ और आपकी कथा सुनने से आज मुझे आपसे प्रेम हो गया है। कथा सुनने मात्र से कृष्ण ने कहा कुलवती नारी के लिए अच्छी बात नहीं है ऐसे पत्र लिखना। रुक्मिणी ने कहा हजारों बार रोका मैंने, कलम उठाई कलम छोड़ा, पर आपसे प्रेम है तो लिख दिया। थोड़ा विचार तो करो कृष्ण, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आपसे प्रेम नहीं है? आपकी गुण, आपकी रूप, आपकी लीला को जानने वाला व्यक्ति बिना आपसे प्रेम किए कैसे रह सकता है? अतः कृष्ण अगर जीऊंगी तो आपके साथ, नहीं तो मर जाऊंगी, फिर दूसरा जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, आपको प्राप्त करूंगी। छत्र की कन्या थी, पूरा प्लान दे दिया कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार फलाने दिन देवी पूजा के लिए हम जाएंगे, आप वहीं पे आना और वहीं से मुझे ले जाना। लेकिन ध्यान रखना कृष्ण, याद रहे उस समय मेरा भाई रुक्मी अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा रहेगा, जरा संघ भी पूरी सेना लेकर के आया होगा, मगध नरेश शिशुपाल उनके पिता ये सब लोग पूरी सेना लेकर के खड़े रहे, करोड़ों करोड़ों सेना होगी और उस बीच में आपको आना है और मुझे लेकर के जाना है और मुझे आप पर विश्वास है आप अवश्य आएंगे। और कृष्ण आप स्वतंत्र हैं, यदि इस प्रस्ताव को, इस पत्र को इनकार करोगे तो कृष्ण मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, इंटरनल फोर्स कर रही है लेकिन बोल रहे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आप इतना सुन लीजिए विवाह करूंगी तो आपके साथ, नहीं तो जीवन भर तपस्या करूंगी, तपस्या करके अपने देह को सुखा दूंगी, दूसरा जन्म लूंगी और तब आपसे विवाह करूंगी, फिर भी नहीं मिले फिर तपस्या करूंगी लेकिन विवाह करूंगी तो आपके साथ। मीरा भी ऐसे ही व्रत लेकर के आई थी, मैं ऐसे वर से विवाह करके क्या करूं जो आज जिए कल मर जावे, मैं तो मरूं विवाह मेरे गिरधर गोपाल से जैसे मेरा सुभाग अमर हो जावे। कृष्ण रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, ब्राह्मण को कहा, बोला हमें जल्दी जाना चाहिए, केवल एक दिन बचा था। उस समय कृष्ण अपना दिव्य रथ बाहर निकाले और दिस 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 नॉर्मल बजाओ, एक्सपेरिमेंट मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र का नॉर्मल दिन ले लो। उस समय कृष्ण दिव्य रथ निकाले और उस रथ पर सवार होकर के चलने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 समय कृष्ण अपने दिव्य रथ को निकाले। आज अगर द्वारिका से महाराष्ट्र फ्लाइट से जाना होता है तो 3-4 घंटा लग जाता है। कृष्ण तेज गति से अपने रथ को चला और उस समय सुबह 10 बजे का समय हो चुका। देवी रुक्मिणी अपने अनेकों सखियों के साथ उस देवी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए पड़ी, अनेकों मंगल गीत गाए जा रहे हैं, देवी रुक्मिणी प्रणाम कर रही है, प्रणाम करके वापस लौट रही है और वहां पर सब लोगों को पता चल गया कि कृष्ण विदर्भ देश आ चुके हैं। इतना पता चलते ही सभी राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं को तैनात कर लिया, ऐ सैनिकों अपने अपने हथियार लेकर के तैयार हो जाओ, अपने हाथों में हथियार धारण कर गो, क्योंकि वह ग्वाला कृष्ण आ चुका है। यदि कृष्ण का दर्शन किसी का भी हो तो उसे पकड़कर उसे मार दो,
उस समय देवी रुक्मणी दर्शन करके लौट रही थी। शिशुपाल अपनी सेना लेकर के खड़ा है, जरासंघ अपनी सेना लेकर के खड़ा है, लाखों की मात्रा में सैनिक खड़े हैं। और उस समय देवी रुक्मणी दर्शन करके वापस लौट रही थी। देवी रुक्मणी एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे हैं। कृष्ण आएंगे, यदि कृष्ण ही आएंगे तो मेरा क्या होगा, मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। और उस समय देवी रुक्मणी उस मंदिर की सीढ़ी के पास पहुंच गई। सारी सेना तैनात है और उसी समय अखिल ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कृष्ण उस दिव्य रथ पे सवार होकर के उस सेना के बीच में प्रकट हो गए। कृष्ण सेना के बीच में ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने दिव्य से रथ को लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। कृष्ण सेना के बीच में ऐसे प्रकट हुए माने बादल के बीच में बिजली होती, सारी सेना को फाड़ कर बीच में प्रकट हो गए, जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती हो। सबकी आंखें बंद हो गई। कृष्ण प्रकट होते ही सभी राजा महाराजाओं और सैनिकों की आंखें बंद हो गई। कृष्ण प्रकट हुए, सबकी आंखें बंद हो गई, किसी को पता नहीं चला कौन आया, कैसे आया, क्या हुआ, सबकी आंखें बंद। उसी समय भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को अपना हाथ दिया और रुक्मणी के हाथ को लेकर के उस दिव्य रथ पर सवार किया। जैसे सिंह हजारों सियारों के बीच में अपने भोजन के भाग को लेकर के चला जाता है, वैसे कृष्ण लाखों लोगों के बीच में रुक्मणी को उठा करके अपने रथ पर बिठा लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हुए, रुक्मणी का हाथ पकड़े अपने दिव्य रथ पर सवार की और भगवान ने अपने घोड़ों को कहा इज्जत का सवाल है भागो। रथ के घोड़े उछल करके दौड़ने लगे। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं जैसे हजारों सियारों के बीच कोई सिंह आता है अपने भोजन के भाग को लेकर के जाता है और ये सारे सियार हुआ 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 करते रह जाते हैं, वैसे ही कृष्ण उस लाखों सैनिकों के बीच में रुक्मणी को उठा करके रुक्मणी को लेकर के चले गए और ये सारे राजा महाराजा वहां पे हुआ 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 करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रुक्मणी को लेकर के वहां से भागे, सारे सेनाओं की आंखें खुल गई, बोले कौन आया, कब आया, कहां से आया, किधर गया, कैसे लेके गया, सब लोग आओ 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 करने लगे। अपने अपने हथियारों को लेकर के अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके जिधर कृष्ण आए थे उधर दौड़ने लगे। कृष्ण जैसे ही द्वारका से निकले थे बलराम जी ने सोचा कृष्ण कहां गए। बलराम जी ने किसी से किसी को पूछा कृष्ण कहां गए, कहा कृष्ण अपने होने वाली पत्नी को लाने गए हैं। बलराम जी को पता चला मेरा छोटा भाई अकेले गया है शादी करने के लिए, उसे मेरी आवश्यकता पड़ेगी। कृष्ण रुक्मणी को अपने हाथ अपने रथ पर बिठा करके जा रहे, भाग रहे थे, सारी सेना कृष्ण के पीछे भाग रहे थे। उसी समय बलराम जी अपने दिव्य हल के साथ प्रकट हो गए। अपने दिव्य हल से बलराम जी ने उस सारी सेना को रोक लिया और बलराम जी ने दिव्य हल से उस सारी सेनाओं का विध्वंस कर दिया। आज मेरे भाई का विवाह होने जा रहा है, बेचारा जीवन में प्रथम बार शादी करेगा, अब तक तो लीला ही कर रहा था, इज्जत से पहली बार शादी करने जा रहे हैं और इतने लोग उसके पीछे पड़े हैं। बलराम जी से नहीं रहा गया, अपनी हल और गदा हाथों में लेकर के कूट दिए, पकड़ के सबको चूर दिए एकदम। बलराम जी सारी सेना का विध्वंस किया। बलराम जी का युद्ध रुक्मणी के साथ हुआ, रुक्मी के साथ हुआ। बलराम जी ने सोचा कृष्ण का साला है, मारना ठीक नहीं होगा, मार दूंगा, आगे चल करके रुक्मणी के हाथ से भोजन करना है, जब जब मेरे सामने आएगी तो याद आएगा इसने ही मेरे भाई को मारा था।
बलराम जी पूरी सेना का विध्वंस किए, रुक्मिणी को छोड़ दिए और पुनः बलराम जी द्वारिका में आए, कृष्ण आए और कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, दिव्य विवाह हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। तो इस प्रकार से भगवान, आप भी अपना प्रेम संदेश भेज सकते हैं, एक नंबर है, आप लोगों को चाहिए? हाँ चाहिए क्या? 16 डिजिट का है। जैसे इस संसार में अगर हमको किसी का फोन करना होता है तो कितना डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। अगर विदेश में हो तो 13 डिजिट बढ़ जाता है ना। तो उसी प्रकार अब तो भगवान तो विदेश में नहीं, भगवान तो जन लोक, तप लोक, मर लोक, ब्रह्म लोक को पार करके गोलोक में है। तो 16 डिजिट का नंबर है। कितना डिजिट का लिखेंगे आप लोग? आज बता दूं कि कल पेन लेकर के आएंगे? लिख लीजिए। अगर आपको अपना प्रेम संदेश भेजना है तो लिख लीजिए। और ध्यान रखिए, आप इस जगत में देखते हैं कि हम लोग दिन में किसी को संदेश भेजते हैं, फोन करना होता है तो नेटवर्क बहुत जाम रहता है इस जनरल समाज में, अनेक लोग। अब भगवान तो अकेला है, उसको कितने लोग संदेश भेजते होंगे, तो नेटवर्क बहुत जाम रहता है। लेकिन अगर सवेरे भेजेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लिखना है नंबर? कितने लोगों को लिखना है? हाथ खड़ा करिए जिनको लिखना है। सच में बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियस हैं। किसको लिखना है नंबर भगवान का? इससे आप भगवान को मैसेज कर सकते हैं। नहीं लिखना है, बहुत कम लोग को लिखना है। जब सबको लिखना होगा तब बोलना, बता दूंगा। लिखना है क्या? चलो लिखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये है 16 डिजिट का वह नंबर। और इसको डायल करने के लिए आप राम श्याम प्रभु के पास मोबाइल ले लीजिए, ठीक है? और ये है इस मोबाइल का कवर, ठीक है? और ये है मोबाइल का नंबर पैड। सवेरे उठिए, पकड़िए और डायल करना शुरू करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब विश्वास करिए, आपका मैसेज जो प्रेम संदेश है वह कृष्ण तक पहुंचेगा, पहुंचेगा गारंटेड। प्रभुपाद जी इसकी गारंटी ले रहे हैं। अब भेजिए तो सही, नहीं पहुंचेगा फिर मुझे बताना। अंतिम बार नहीं आ रहा हूं, फिर आऊंगा, उसमें बताना। आऊंगा नेक्स्ट टाइम, इस बार फूलों का माला पहना है, उसमें कुछ चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाएगा जरूर, गारंटेड है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है? कौन कौन भेजेंगे संदेश, कौन कौन भेज रहे हैं पहले से? अब जो भेज रहे हैं वो मत हाथ उठाइए, जो नहीं भेज रहे थे वो लोग बताइए। तो कौन लोग जो नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेजने वाले, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहे हैं सवेरे? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज ही मोबाइल खरीद लीजिए। हम लोग बाजार में जाते हैं तो 10,000-20,000 रुपए का मोबाइल आता है। ये मोबाइल प्रभु जी बहुत सस्ते में दे रहे होंगे, और किसी के पास पैसा नहीं होगा तो उसका हम दे देंगे। सच बोल रहा हूं मैं दे दूंगा अपने पैकेट से। लेकिन आप नाम जप जरूर करिए, जरूर जप करिए, आप अपना संदेश भेजिए। हम खो गए हैं यहाँ पर। आपके जीवन में दुख है कि नहीं है? दुख है ना हम सबके जीवन में। कोई बच्चा जब मेले में खो जाता है तो उसके जीवन में दुख होता है कि नहीं? अब उस बच्चे को ला करके कोई आइसक्रीम दे, खुश होगा वो? थोड़ी देर के लिए जब तक आइसक्रीम है तब तक। उसको झूले पर बिठा दे, कब तक खुश रहेगा? जब तक झूला झूल रहा है। उसको अनेक अनेक क्रियाओं कराओ, लेकिन तब तक ही वह खुश रहेगा जब तक कि वह उस क्रिया हो रही है, उसके बाद फिर दुख सताएगा। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमको लगता है पहले हम स्कूल में दुखी हैं, कॉलेज जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कॉलेज में लगता है जॉब करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, जॉब करने के बाद आता है एक सुंदर लड़की मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, सुंदर लड़की मिलने के बाद होता है कि गाँव में रह रहे हैं शहर में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, शहर के बाद लगता है कि मेट्रो सिटी जाएंगे
जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, मेट्रो सिटी के बाद लगता है कि अमेरिका जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, अमेरिका जाने के बाद लगता है यहाँ बहुत भीड़ हो गया है, चांद पर जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी कहीं पर भी नहीं हो पाते हैं। अगर वास्तव में सुखी होना है, जैसे वह बच्चे को बहुत क्रिया किया गया लेकिन वह चुप नहीं हुआ, कब तक चुप नहीं हुआ, जब तक उसके माता पिता उसे मिला नहीं दिया गया। ठीक उसी प्रकार आप तब तक दुखी रहेंगे, हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक हमें हमारे ओरिजिनल माता पिता नहीं मिल जाए। और हमारे ओरिजिनल माता पिता हैं कौन? कृष्ण। और उनके तक संदेश भेजने का एक और एक मात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया जरूर यह संदेश इस मोबाइल में डायल करिए सवेरे से, सवेरे सवेरे जितना सवेरे हो जाए। ध्यान रखिएगा, आप जितना सवेरे और जितना सिंसियरली करेंगे उतना जल्दी आपका संदेश जाएगा भगवान तक जाएगा, विश्वास करिए मेरा। नहीं जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हम जब नेक्स्ट टाइम आए ना तब आप मुझे बताइएगा कि प्रभु जी हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, अभी तक तो जितने लोगों को दिया कोई तो ऐसा नहीं है जो बताए कि बहुत खराब रहा, कोई बता सकता है? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कृपया जप करिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। सत्यव्रत मुनि कहते हैं प्रभु आप बहुत सुंदर हो और संसार के लोग आपकी सुंदरता से मोहित हो गए, प्रभु बस आप मेरे ऊपर कृपा करना, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जला दे मग्ना, प्रसिद्ध प्रभो दुख जला दे मग्ना, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु, 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 विहाने से माम अज्ञम इत्यच्छ दृशा, विहाने से माम अज्ञम इत्यच्छ दृशा, विहाने से माम अज्ञम इत्यच्छ दृशा, सत्प्रत मुनि कहते हे कृष्ण हे दामोदर, भगवान श्री कृष्ण उधर के ऊपर रस्सी बंधी हुई, उधर मने पेट और दाम मने रस्सी, जिसके उधर के ऊपर दाम बंधी हुई है इसलिए इनको दामोदर कहते हैं। हे दामोदर मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रसीद हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस संसार में इस संसार सागर में फंसा हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करिए और इस संसार सागर में रहते हुए मैं आपका भजन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु प्रभु आप मेरा उद्धार करिए। भगवान ने कहा मैं आपका उद्धार करूं? अरे मैं क्या उद्धार करूंगा, मैं क्या आपका उद्धार करूंगा, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं, आप मेरा उद्धार करो। चतुर्थ मुनि कहा प्रभु हम जानते हैं आप बड़े हुए हैं लेकिन आपने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है प्रभु। मानो भगवान कृष्ण कहे कि मैंने किसका उद्धार किया है बता दो थोड़ा। तब चतुर्थ मुनि कहते हैं कोवे रात्म जो बद्या मूर्ते यद्वता, कोवे रात्म जो बद्या मूर्ते यद्वता, कोवे रात्म जो बद्या मूर्ते यद्वता, मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ, 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 नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे, नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे, नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे, नमो
राम। ग्रहों में स्थित दामोदर। हे कृष्णा, मैं आपको प्रणाम नहीं करता हूँ। बोले क्या बात कर रहे हैं, अभी तो प्रणाम कर रहे थे। बोले नहीं, मैं यशोदा को भी प्रणाम नहीं करता हूँ, आपके चरणों में भी प्रणाम नहीं, यशोदा के चरणों में भी प्रणाम नहीं। कृष्ण, हम तो उस रस्सी को प्रणाम करते हैं जिस रस्सी से आपको बांधा गया है। क्या भाग्य है उस रस्सी का। तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांध दिया, अंदर चली गई, बलराम जी आए चले गए, कृष्ण को बांध कर मैया यशोदा वहां से चली गई। और कृष्ण बंधे हुए खड़े हैं, रो रहे हैं, परंतु रोते रोते उखल के साथ बंधे बंधे कृष्ण की दृष्टि अपने घर के आंगन में पड़े हुए दो वृक्षों के ऊपर में फंस गई। अभी दृष्टि ही फंसी है, बस कृष्ण की दृष्टि क्या जानी थी, उनके उद्धार की बात सोच लिया। बस भगवान की एक दृष्टि काफी है उद्धार करने के लिए, ध्यान रखिएगा, एक दृष्टि काफी है। रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, उनकी दृष्टि उस आंगन में रहे दो वृक्षों के पास गए। उस वृक्ष के ऊपर उनकी दृष्टि गई, भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हो गया। बोले वृक्ष बेचारे कई दिनों से बंधे हुए हैं, इसका उद्धार करना होगा। किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, तो अब तक उद्धार करने की बात क्यों नहीं सोचा, देख तो डेली रहे थे। आचार्यों ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की, दुनिया में जब आदमी के जीवन में स्वयं बंधन लगता है ना, तब दूसरे के दुख को समझ पाता है। आज बंधे हुए तो समझ पा रहे हैं कि वृक्ष की योनि में इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। बोले मैं आधे घंटे से बंधा हुआ हूँ तो इतना कष्ट हो रहा है। ये वृक्ष बेचारे 1000-2000 वर्ष से बंधे हुए हैं, कितने दुखी होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरा नारद सापेन विक्षताम प्रपितो मदा नलकुवर्मणि ग्रीवोति स्त्रियान्वितः। पूर्व में नारद ने इनको श्राप दिया था, और श्राप के कारण ये दोनों नंद बाबा के इधर पेड़ बन करके प्रकट हो गए थे। ये दोनों पूर्व जन्म में कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव। ग्रीव मने गला और मणि मने मणि। तो इनके गले में बहुत सुंदर मणि थी, इसलिए इनका नाम हो गया मणिग्रीव। और नलकुबर मतलब इसके पीठ पे, यहाँ पे कुबड़ था, इसलिए इसका नाम हो गया कुबड़। तो कुबेर आप जानते हैं धन के क्या है, धनाढ्य देवता है। कुबेर जी के पुत्र थे, नारद जी उन दोनों को श्राप देकर नंद बाबा के घर पर वृक्ष बना दिए। और कृष्ण, चूंकि नारद ने श्राप दिया था, और नारद अमोघ वचनम, नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकते, तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उन दोनों वृक्षों का उद्धार किए। मानो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करे, बोले कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नारद मुनि ने श्राप दिया, नारद जी ने श्राप की बात आई तो महाराज परीक्षित ने कथा को रोक दिया और कथा में जिज्ञासा की कि प्रभु ऐसा क्या हुआ कि नारद जी ने श्राप दिया। नारद मुनि जैसे संत किसी को श्राप क्यों देंगे, समझ में नहीं आती। क्योंकि भक्तों श्राप तो तब दिया जाता है ना जब क्रोध आता है। अब नारद जैसे ऋषि को श्राप क्रोध होना, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनसहा क्रोध वेगम। और भगवान ने गीता में कहा, त्रिविदाम नरकश्चेदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभास हते एतत् त्यत्रम प्रजेत। काम क्रोधस तथा लोभास तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये काम क्रोध तथा लोभ नरक में जाने के सीधे द्वार है, इसलिए काम क्रोध को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और नारद जी का इतिहास देखिए तो बड़े शांत हैं। दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दिया कि दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकोगे, तो बस श्राप को स्वीकार कर लिए। इतना भयंकर श्राप था फिर भी स्वीकार लिए, हंसते हुए स्वीकार कर लिए, प्रेम से स्वीकार कर लिया। ये संतों का स्वभाव है, भक्त कभी क्रोध नहीं आते। और
क्रोध ही वश में नहीं हुआ तो फिर, इसलिए क्रोध को वश में करना बहुत जरूरी है। तो क्यों श्राप दिया, किस प्रकार से भगवान ने इनका उद्धार किया, इस लीला को हम लोग कल सुनेंगे। समय हो चुका है, आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के जगत गुरु शिला प्रपाद की हिताय को प्रेमानंदे। और विराम देते हुए बस आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपका आपके संदेश का कृष्ण बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति का कृष्ण बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से। मेरी बात मानिए, अगर आज नहीं मानेंगे 30-40 साल के बाद एहसास होगा कि प्रभु जी बोले थे, गलती कर दिया। अब आधा जीवन तो जी लिया ना हम सब में, कोई कोई तो 75 जी लिए हैं, कोई कोई तो 90% जी चुके हैं जी चुके हैं ना, हाँ 50% जीवन में खुश नहीं हुए ना आप। कोई एक व्यक्ति खड़ा करके बता दे हाथ कि मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूं प्रभु जी, कोई रोग विघ्न कुछ भी दुख नहीं है, एक व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कर सकता। सबके जीवन में दुख है, दुख से मुक्ति होना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र करिए, क्योंकि यह जगत कुंठित जगत है, यहाँ पर कुंठ होगा ही, जाना है भगवत धाम, जो कुंठित नहीं है वैकुंठ। भगवान को संदेश भेजिए, संदेश भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए, भगवान अपना विमान भेजेंगे आपको लेने के लिए, गारंटी के साथ। मैं आज ये भागवत व्यासपीठ से ये बात कह रहा हूँ, गारंटी के साथ आपके लिए विमान भेजेंगे, गारंटेड। और उस समय याद रखना कि धर्मपुरा निवासियों ने कथा आयोजन किया था, हम बगल के गांव से खैर तो सुनने चले गए थे, नहीं तो हमारा क्या होता। तो इसलिए कृपया जरूर जप करिएगा, ठीक है, एकदम जो भी हो अपना पुत्र समझ करके, अपना छोटा भाई समझ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज की कथाओं से बहुत सी बातें है, प्रभु जी बहुत से उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए भागवत जी से, जिनके माध्यम से हम लोग सुने कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हुए या हैं, सबने भगवान से अद्भुत अद्भुत चीज मांगी। कोई भगवान के चरण कमलों में अपने मन को मांगा, तो कोई अपने शरीर में दो कान नहीं बहुत सारे कान हो जाए ताकि हम आपकी कथाओं को सुन सकें। इस पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का राज्य, किसी भी लोक का राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि से भी हम लोग सुने कि आपका यह बाल स्वरूप मेरे मन में सदा सदा के लिए टिक जाए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में वो व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है जिसके सामने भगवान हो और भगवान देने के लिए आए हैं और वो इस संसार की भौतिक वस्तु की मांग करता है। भगवान जब सामने है, ध्रुव महाराज का भी उदाहरण ले लीजिए। ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो कुछ कांच की खोज में आया था, राज्य की खोज में आया था, लेकिन हमें तो मणि मिल गया। और वास्तव में सबसे बड़ा धन यही है, भगवान का नाम। और जिसके जीवन में यह है, भगवान की भक्ति है, फिर उसके जीवन में बाकी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रह जाता है। हम लोग सुने हैं कि इस संसार में
बहुत से लोग है जिनके पास बहुत बहुत संपत्ति, वैभव, बहुत कुछ है, लेकिन चार दोस्त में से एक दोस्त जरूर उसके पास होगा। या तो नशा करता होगा, नहीं तो जुआ खेलता होगा, नहीं तो मांसाहार करता होगा, नहीं तो फिर अवैध संग होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, बिरला ही कोई ऐसा कदाचित कहीं कहीं कोई होगा जिसके पास से चार दोष में से एक भी दोष ना हो। लेकिन जो कृष्ण का भक्त बन जाता है, जो भगवान के नाम के आश्रित हो जाता है, उसके जीवन में बाकी कुछ रहे या ना रहे, बहुत ज्यादा संपत्ति ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, दो चार दस अनुयायी फॉलोअर ना हो, लेकिन सबसे बड़ा धन उसके पास रहता है कि चार दोष में से एक भी दोष उसके जीवन में नहीं रहता है। हिज ग्रेस विश्राम दास प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा इस्कॉन सेंटर जो है नशा मुक्ति केंद्र है। भभुआ सदर हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं, हम तो अपनी आंखों से देखे हैं कि नशा के जो आदि व्यक्ति है, जो प्रतिदिन शराब पीता है, वह शराब को छोड़ने के लिए प्रतिदिन सदर अस्पताल में जाता है, वहां लाइन लगाकर खड़ा होता है, वहां से दवा लेता है और खाता है प्रतिदिन। और जितना दिन सेवन करता है उतना दिन तो छोड़ देता है, लेकिन जैसे दवा लेना बंद कर देता है फिर शुरू। लेकिन हमारा इस्कॉन सेंटर ऐसा है, कृष्ण की भक्ति ऐसी है, भगवान का नाम जप ऐसा है कि इससे जुड़ने के बाद व्यक्ति स्वतः ही नशा से मुक्त हो जाता है, मांसाहार से मुक्त हो जाता है, अवैध संग से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति चाय, कॉफी, लहसुन प्याज तक नहीं खाता है। अब दूसरे चीज की हम बात क्या करें। अगर वो भक्ति के अच्छे लेवल पे है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, मंदिर आ रहा है, दर्शन कर रहा है, कथा सुन रहा है और बुद्धिमान है, तो स्वतः पर स्वतः है ये सारे जो गलत चीज है अपने आप छूट जाता है बिना प्रयास का। कितना सुंदर चीज है ये, अब क्या वर्णन इसका किया जा सकता है। इसलिए जो लोग छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रहा है, उसके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है ये। आप इस्कॉन ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। मैं अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। जब मैं भगवान की भक्ति से जुड़ा तो उस समय बाकी सब चीज तो छूट गए, लेकिन मैं खैनी खाता था। कहने में कोई संकोच नहीं है, चूंकि हमारे गलत कर्ज हैं। और डॉक्टर साहब बोले हमको कि आप एक बार मुंबई जाइए, वहां राधा गोपीनाथ मंदिर में जाइए, वहां भक्तों से मिलिए, दर्शन कीजिए राधा गोपीनाथ जी का। मैं मुंबई गया, भक्तों के घर पे ठहरना था, तो मैं पूरा प्लानिंग करके गया था। इतना बड़ा डिब्बा लेके गया था, उसमें पूरा पैकिंग करके गया था कि चार दिन पांच दिन रुकना है, समाप्त ना हो जाए। ऐसा आदत है, आदमी उसके बिना रह नहीं सकता है। लेकिन जब मैं मुंबई गया, वहां पर राधा गोपीनाथ जी का दर्शन किया, भक्तों का संग किया, अब वहां जाने के बाद मेरे मन की वृत्ति ऐसी बदली कि वो डब्बा पॉकेट का पॉकेट में ही रखा रह गया। लेकिन फिर भी देखिए मन का स्वभाव कैसा। मन अभी हम सोच रहे हैं कि कहीं अगर फेंक दें और दो दिन के बाद अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर यहां हम किससे मांगेंगे। भक्तों के बीच में रहना है, किसी भक्त से तो कहेंगे नहीं कि आप हमें अनजान जगह पे पता है नहीं, इसलिए उसको संभाल कर रखा था कि कहीं जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे, फिर कहां खोजेंगे।
लेकिन वो ऐसे मन का वृत्ति ऐसा स्वभाव बदला उस समय में जब करता था कि आज तक जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि भगवान के नाम जप करने से व्यक्ति के सारे दोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भागवत का ऐसा प्रभाव है। तो बड़ा ही सुंदर सत्र चल रहा है और प्रभु जी निवेदन कर रहे हैं तो सबको लेना चाहिए, जप करना चाहिए, यही जीवन की सफलता है। और कल यहाँ पर बहुत सुंदर स्टॉल लग जाएगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ से जो भी चाहें खरीद सकते हैं। तो आइए हम हृदय से प्रभु जी का महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी भागवत जी की आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाएं। और भागवत जी की आरती के बाद प्रायः मैं देखता हूं कि जैसे आरती समाप्त होता है तो लोग चले जाते हैं। आप सोचेंगे कि कुछ दान करने के लिए, कुछ पैसा के लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन भागवत जी की आरती को लेकर के तब जाना चाहिए, भले 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आरती पहुंचे। अरे प्रसाद तो सबके लिए है, क्या है 5 मिनट के बाद ही प्रसाद लेंगे। तो भागवत जी की आरती लेने के बाद जाइए। और दूसरी चीज कि जैसे आरती समाप्त होता है तो आरती को पहले पीछे से दिखाना शुरू करना चाहिए, आगे से ही शुरू कर देते हैं। पहले आरती प्रभु जी को दिखाने के बाद पीछे से दिखाना चाहिए कि लोग उधर से जो प्रसाद लेकर जाना चाहे तो जा भी सकते हैं। और एक निवेदन मैं करूंगा कि हमारे जो नामहट सेंटर के भक्त हैं, विशेषकर उन लोगों से निवेदन है कि आयोजन कल हमने देखा कि बच्चों का इतना हुजूम था जहां पर प्रसाद वितरित हो रहा था और बहुत से भक्त जो थे मूक दर्शक होकर देख रहे थे उस दृश्य को। पहले बच्चों को दे दीजिए, आप जो भी बच्चे हैं सबको दीजिए प्रसाद, और देने के बाद उनको बाहर कैंपस से बाहर कीजिए, क्योंकि बच्चे बार बार परेशान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी व्यवस्था, हम निवेदन करेंगे कि जो भी हैं उन लोगों से प्रथम जागरूक, बांटने वाले तो 2 लोग भी काफी हैं, 2 लोग भी प्रसाद दे सकते हैं, और जो सेवाकारी हैं उनको सबसे अंत में प्रसाद लेना चाहिए। पहले ये सब चुकी देखिए बाहर से दूर दूर से मताएं आती हैं, अब वहां इतना भीड़ रहता है बच्चों का कि देखने के बाद लगता है कि बिल्कुल भागवत की कोई मर्यादा ही नहीं है, इतना बिढ़ंगा स्वरूप दिखता है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को पहले आरती होता है उसी समय आप प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद देके आप बच्चों को बाहर कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों को मत दीजिए, सबको दीजिए, दोना प्रसाद ही दीजिए, उसको हाथ में भी मत दीजिए, लेकिन बच्चों को किनार करके माताओं को देना शुरू कीजिए, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। भागवत जी का श्याम कहाँ गया? श्याम श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुर
अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि कृपा परिवारणे कलिमल मथनि कृपा परिवारणे जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणे जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणे सेवत सतत सकल सुख कारिणे सेवत सतत सकल सुख कारिणे सुमहो सदि हरि चरित गान के सुमहो हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की भगवत तत्पर हर्ष प्रकाशिनी भगवत हस्त हर्ष प्रकाशिनी विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विकार विवेक विकासिनी भगवत तत्पर हर्ष प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमा ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन होलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन होलासिनी रसिक हृदय रस राज विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे